ऑल राइट गाइस, सो गाइस कैसे हैं आप सभी। सो गाइस आज की इस वीडियो में बात करेंगे पे यू मनी पेमेंट गेटवे बारे में एंड जानेंगे किस तरह से एक ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर पे यू मनी का यूज हो सकता है, कैसे इसके थ्रू हम पेमेंट को कलेक्ट कर सकते हैं यूजिंग एपीआई कार्ड्स एंड नेट बैंकिंग, किस तरह से इसको इंटीग्रेट करते हैं अपने रियाड एक्सप्रेस एंड डोरचेस एप्लीकेशन में। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं कंप्लीट तरीके से कैसे हम पे यू मनी को इंटीग्रेट करते हैं अपने मनस्टैक एप्लीकेशन में। सो गाइस सबसे पहले हम जानते हैं कि पे यू मनी है क्या। पे यू मनी एक पेमेंट गेटवे है, जैसे कि रेजर पे होता है, आपका स्ट्रैप होता है, तो ऐसा ही पे यू मनी है जो आपका काम करता है। ये काफी इजी इंटीग्रेट करना, बस थोड़ा सा कठिन हो सकता है क्योंकि इसकी डॉक्यूमेंटेशन में कुछ चीजें मिसिंग है, ठीक है, बट मैंने निकाल लिया है पूरा, कोई नहीं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं अपना पे यू मनी पे। आपको सिंपल साइन अप पर क्लिक करना है, अगर आप फर्स्ट टाइम तो सिंपल साइन अप पे आना है, अपना ईमेल एंड डालकर अपना लॉगिन कर लेना है। तो मैं ऑलरेडी इसके अंदर अकाउंट क्रिएट कर रखा हूँ और मैं यूज करूंगा टेस्ट अकाउंट फिलहाल के लिए, कोई भी मेरा लाइव नहीं होगा, तो सिंपल मैं इसको करूंगा ओके, गॉट इट। अच्छा एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि आपका मोड जो है टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि हम टेस्ट में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि लाइव नहीं होगा तो काम नहीं करेगा। लाइव में बस आपको एक सिंगल चीज चेंज करनी है, बाकी आपका लाइव में भी काम करेगा, ठीक है। अभी देख सकते हो मेरे एनालाइज बिल्कुल 0-0 है, कुछ भी इसके अंदर नहीं है। अभी मेरा जो करंट टाइम है विच इज 18 नवंबर, उसमें कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है। सो कोई नहीं, हम क्या करते हैं अपना अकाउंट पे आते हैं, प्रोफाइल पे, सेटिंग्स पे। तो प्रोफाइल पे आते हैं, ठीक है, मैं प्रोफाइल पे आ गया। यहाँ पर मुझे मिल जाएगा कि मेरे मर्चेंट आई डी ये है जो कि मुझे चाहिए थी, एक मर्चेंट टेस्ट आई डी मिल जाएगी मेरे को और कुछ ई मेल मिल जाएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मिल जाएगा। मैंने हाइड कर दिया है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन। तो आप एक काम करो, सिंपल आओ सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे आने के बाद मिल जाएगा कि आपको क्या क्या इस मैसेज चाहिए। मुझे क्या करना है, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको साइड बार मिल जाएगा पेमेंट गेटवे, या फिर इसी के अंदर कुछ ना कुछ ऑप्शन मिलेंगे जिसमें आप इसमें आ सकते हो। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, पेमेंट गेटवे क्लिक करूंगा, मिल जाएगा। अब यहाँ पर मिल जाएगा डॉक्यूमेंटेशन का, कि आप डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकते हो कि कैसे वेब फ्लो होता है। तो मुझे इससे अभी थोड़ा सा अलग रहना है, मुझे क्या चाहिए, पहले तो मर्चेंट की चाहिए, तो सिंपल से कॉपी कर लो और उससे पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो जो भी आपका फोल्डर है। तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, इसमें एक रेडमी फाइल है क्योंकि जरूरत पड़ेगी बाद में, अभी नहीं पड़ रही क्योंकि देखेंगे किस टाइम पर इसकी जरूरत पड़ेगी, उस टाइम पर इसको ओपन करूंगा आपके लिए, बताऊंगा इसके अंदर क्या चीज है और क्या है इसके अंदर, ठीक है, बात करके पूरा पूरा। सो लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं यूजिंग रिएक्ट जी एस एंड नोड जी एस। काफी बेसिक एप्लीकेशन होगा, एक ई कॉमर्स डेमोन्स्ट्रेशन होगा जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा किस तरह से हमें इसको यूज करना है। एंड सबसे बेस्ट बात यह है कि आपको टेस्ट मोड में भी आपको इनवॉइस प्रोवाइड करता है आपके ई मेल पर, ठीक है। देखते हैं कैसे करता है, तो मैं सीरियस कर रहा हूँ। बेसिकली करना है, सबसे पहले दो डायरेक्टरी क्रिएट करूंगा, एक डायरेक्टरी होगी फ्रंट एंड के लिए और दूसरी होगी बैक एंड के लिए, क्लियर। जो अपना फ्रंट एंड है उसको हम डिजाइन करेंगे via vid, so npm create vid और डॉट लगा देंगे। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे readjs का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, read क्लिक करेंगे और विद टाइपस्क्रिप्ट चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, और npm i cool। तो इससे हमारा एक फ्रंट एंड जो है इनिशियलाइज हो जाएगा, उसके अंदर हमारे पास जो नोड मॉडल्स है वो भी आ जाएंगे। चलो जब तक एक काम कर लेते हैं, हम अपना बैकएंड में भी काम करते हैं। सो बैकएंड हम यूज करेंगे मैनुअली, पूरा का पूरा हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं 2-3 फाइल्स के अंदर ही पूरा बैकएंड क्रिएट करूंगा, इसमें मैं एक चीज फॉरवर्ड करूंगा विच इज डेटाबेस। तो डेटाबेस आप देख लेना अपने हिसाब से कैसे करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ cd बैकएंड, चलो बैकएंड चलते हैं, ठीक है। npm एडिट करते हैं और -y फ्लैग लगाते हैं जिससे जो भी क्वेश्चन से मेरे से आस्क करेगा वो सारे के सारे ट्रू हो जाएंगे इसके लिए, ठीक है। कुछ पैकेज इंस्टॉल करते हैं, एक्सप्रेस कोर्स एंड कलर्स, इतना ही बहुत है, हाँ इतना ही बहुत है अभी के लिए, बाकी देखा जाएगा जितना हमें करना होगा। सो मैंने पैकेज जो है इंस्टॉल कर लिए, यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ server.js नाम से, ठीक है, बिकॉज cjs यूज कर रहे तो cjs में तो काफ़ी इजी होता है। हमें क्या करना है, बस const express और require of express ये कर लिए हमने। अच्छा, हमने अभी जो आईडी कॉपी की थी इसको रखेंगे कहाँ पर, हम इसको रखेंगे एक फाइल के अंदर जिसका नाम होगा .env। ये ऐसी फाइल है जो सीक्रेट रखनी है, हमें किसी को बताना नहीं है, ठीक है। तो हम रख लेते हैं इसको, हम बोलते हैं भाई सुनो इसका यूआरएल जो है वो होगा आपका विच इज मर्चेंट merchant मर्चेंट की वर्स दिस, एक सॉल्ट होगा, ठीक है। तो एक्टिव सॉल्ट में क्लिक करना है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आप क्या करो, इस वाले में क्लिक कर लो, ठीक है। ध्यान रखना आप मेरा कॉपी मत करना, अगर आपको मालूम ही पड़ रहा है अपना करना प्लीज,
है, सॉल्ट पे आते हैं, SOSALT और इस पर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सॉल्ट है, और प्रेफर कर रहे हो कि आप ये वाला लो, ठीक है, सिक्योरिटी रीजन के लिए दिया हुआ है कि रिकमेंडेड एंड मोर सिक्योर फॉर इंटीग्रेशन, ठीक है, कोई नहीं हम इसको लेते, ये हमारा मर्चेंट की हो गया, अच्छी बात है। तो मैं इसको हाइड कर दूँ, ठीक है। अब क्या करना है, एक्सप्रेस हमारा हो गया, इसमें ऐप ले लेते हैं, एक्सप्रेस यहाँ पर जो मिडिल वेयर्स होते हैं जो डिफाइन करने के लिए बॉडी पार्ट्स वाली वो लेते हैं, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेएसएन, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट यूआरएल एनकोडेड एक्सटेंडेड कॉल्स, और एक पोर्ट नंबर देते हैं, तो पोर्ट हम ENVC लेके आते हैं जिससे मालूम पड़ जाएगा कि हमारा पूरा काम कर रहा है। सो पोर्ट इक्वल्स टू 4000 मैंने ले लिया यहाँ पर, और मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, कॉन्स्ट पोर्ट इक्वल्स टू प्रोसेस डॉट ENVC डॉट पोर्ट, विच इज अगर नहीं मिलता तो 4500 इसमें स्लैश हो जाएगा। ऐप को रन करते हैं, रन द एप्लीकेशन ऐप डॉट लिसन, किस पर रन करना है, पोर्ट पर रन करना है, और जो भी कॉल बैक होगा वो पास करते हैं। अब कॉल बैक क्या होता है, कॉल बैक काम करेगा जब हमारा ऐप लिसन हो जाएगा, मतलब चल जाएगा, उस टाइम पे कॉल बैक रन हो जाएगा, बता देगा कि भाई तुम्हारा ऐप चल चुका है इस URL पे। तो लॉक कर लेंगे, द ऐप इज लिसन एट HTTP, क्योंकि हम प्रोटोकॉल तो HTTP यूज करते हैं, HTTPS नहीं कर सकते लोकल सर्वर, तो कोई दिक्कत नहीं, हम पोर्ट को डाल देते हैं बस। ओके कूल, एक सिंपल ग्राफ क्रिएट करते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि गेट पेमेंट, और यहाँ पर हम इस तरीके से लेट सपोज रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स मिलता है हमें, ये ले लिया हमने, रेस्ट डॉट सेंड पेमेंट वर्किंग, कूल, बस इतना सा काम करना था, हो गया हमारा। अब क्या करना है हमें, अपना स्क्रिप्ट ऐड करना है अपने पैकेट डॉट जेएसएन में। अच्छा बाय द वे मेरे में नोड बॉन है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन हम स्टार्ट कर लेते हैं और लिखते हैं नोड बॉन सर्वर डॉट जेएस। अब आपके पास ऐसी कंडीशन बन गई है कि आपको पता नहीं कि नोड बॉन आपके में है कि नहीं, ग्लोबली आपने इंस्टॉल नहीं किया, क्योंकि आप यूज करते हो मल्टीपल लैंग्वेजेस, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, आप ऐसा डैब डिपेंडेंसी उसको इंस्टॉल कर सकते हो नोड बॉन को। डैब में क्या होगा कि ये डिपेंडेंसी सिर्फ डेवलपमेंट में ही काम करेगी, प्रोडक्शन में काम नहीं करेगी, बस आपने बोल दिया npm -d नोड बॉन बस। इससे क्या है कि यहाँ पर एक डैब डिपेंडेंसी आ जाएगा जिसमें नोड बॉन है सिर्फ डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्शन के लिए नहीं है ये, ठीक है। क्या करना है, यान स्टार्ट कर लेना है, यान कर लो, npm कर लो, बातें की है तो मैंने कर लिया है, और हमारा ऐप जो है वर्क कर रहा है 4500 पे, जो कि बहुत बेकार बात है। क्यों बेकार बात है, क्योंकि हमें ना भाई क्योंकि हमें क्या है, हमें चाहिए डॉट ENVC से, तो उसके लिए हमें पैकेज लगेगा, थोड़ा सा इसको देना पड़ेगा, विच इज नॉट दिस डॉट ENVC, ये स्पेलिंग गलत हो गया, डॉट ENVC। और उससे पहले हम ऊपर क्या करेंगे, रिक्वायर करेंगे जो पैकेजेस हमने इंस्टॉल किए थे वो सारे पैकेज में लगा रहूँगा, जैसे कलर्स किया था तो कलर्स चाहिए मेरे को, साथ ही मेरे को चाहिए डॉट ENVC जो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, उसके अंदर कॉन्फिग मिलेगा, कॉन्फिग के अंदर पाथ पास करना है मेरे को, और पाथ के अंदर हम क्या करेंगे स्लैश डॉट ENVC पास कर देंगे कि भाई मेरे को तो यही चाहिए तभी मेरा काम बनेगा। सो लेट सपोज देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो देखो अभी हमारा जो पोर्ट है वो चल रहा है 4000 पे, ठीक है, तो मतलब हमारा डेटा जो है ENVC से आ चुका है, विच इज टोटली ग्रेट, तो हमें यही चाहिए था, इससे शायद मेरा काम हो जाएगा। अपने जो कंसोल है इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं, लेट सपोज का जो बैकग्राउंड है इसको रेड कर लूंगा और इसको व्हाइट कर दूंगा, कलर को करते हैं। सो देखो ये आ गया, व्हाइट नहीं हुआ, उसके लिए सारे काम हो गए इस पर, और कभी कभी तो यार थोड़ा सा सही चल गया, अगर बीजी सियान कर लेते हैं, लेट सपोज तो सियान किया तो ये काम कर रहा है, चलो कोई नहीं हमारा तो काम कर रहा है, अच्छी बात है। अब क्या करना है, अब करना है हमें पेमेंट का काम, तो उससे पहले अपने फ्रंट एंड को करते हैं थोड़े से तैयार, तो उसके लिए चलते हैं इसमें और बोलते हैं भाई काम कर यान डैप कर लो, इससे क्या अपना कंटेंट जो रन हो जाएगा। अब यहाँ पर पहले तो UI क्रिएट करते हैं, अब देखो UI के लिए हमारे पास काफी सारे ऑप्शन है, जैसे कि बूटस्ट्रैप है, टेलवेंड है, स्ट्रैप है, सेंट शेड सीएन है हमारे पास, साथ ही वाला चक्रा UI है, आन डिजाइन है, काफी सारी चीजें हैं। एक काम करते हैं हम टेलवेंड में कार्ड पेज देख, कार्ड पेज ठीक है, और इसमें भी देख लेते हैं जो हमें अच्छा लगेगा वही देख लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें यही चाहिए इससे ही हमारा काम बनेगा, अरे मर्जी भाई कुछ भी ले लो यार, ठीक है। जैसे कि मान लो ये मुझे थोड़ा सा
अच्छा लग रहा है देखने में कि मतलब हमें तो एक सिंपल सा पेज चाहिए जिसमें सिंपल दो प्रोडक्ट हो, उससे हमारा काम हो जाएगा। जैसे कि मान लो ये हमारे पास दो प्रोडक्ट है, इनमें से कुछ काम बन जाएगा? नहीं, ये तो बेकार लग रहा है देखने में भी। चलो कोई नहीं, हम डिज़ाइन कर लेते हैं या फिर हम देख लेते हैं एक बार ई कॉमर्स का, देख लेते हैं कुछ पेज मिल जाए अच्छा सा, या फिर हम खुद डिज़ाइन कर लेंगे, हमें इतना तो आता है, इतना सीखा हुआ है हमने तो। सो लेट डिज़ाइन, चलो नहीं है जो मुझे चाहिए था वो नहीं है इसमें, तो कोई नहीं, हम एक काम करते हैं, पहले टेलमेंट सी एस एस इंस्टॉल करते हैं। तो चलते हैं टेलमेंट सी एस एस डॉक्स टाइड एंड वीट पे। इसमें क्या करना है, ऑटो फिक्सर और एन पी एम इंस्टॉल टेलमेंट सी एस एस, इसको इंस्टॉल करना है एज अ डैब डिपेंडेंसी, एज अ डैब डिपेंडेंसी। जब बिल्ड करेंगे तब अपने आप इसकी सी एस एस कन्वर्ट हो जाती है, देखिए मेक श्योर करना। और कॉपी करना है आपको एन पी एक्स कमांड, जिससे आपकी जो टेलमेंट और पोस्ट सी एस एस उसकी फाइल क्रिएट्स हो जाएगी यहाँ पर अच्छे तरीके से। सो लेट्स गो, करते हैं पेस्ट। इसके बाद जो भी कंटेंट है उस कंटेंट को लो, ये मैं ले लिया कंटेंट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एस आर सी जो भी है, इसकी जो आपकी टेलमेंट डॉट कॉन्फिग डॉट जे एस क्रिएट हुई है उसमें आप उसको ओवरराइड कर दो। मतलब उसमें कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है तो हम उसको बस चेंज कर दो अपने हिसाब से। तो मैंने इसको ये वाले कॉन्टेंट को चेंज कर दिया, ठीक है, ये मेरा हो गया चेंज। अब इसके साथ क्या करना है, हमें अपनी इंडेक्स डॉट सी एस एस में ये जो तीन लेयर्स हैं ये ऐड कर लें, जिसमें एस आर सी के अंदर इंडेक्स डॉट सी एस एस ये ऐड कर लें, हो गया ऐड। इसके बाद एन पी एम रन टाइम कर लो, आपका जो टेलमेंट है वो अच्छी तरीके से काम करेगा। ओके कूल। सो एक काम, चलते हैं टेल ब्लॉक्स पर, जो कि आखिरी रास्ता बचा है हमारे पास इसको यूज करने का। आखिरी नहीं है, आपकी मर्जी कैसे यूज कर लो। सो मैं क्या करता हूँ, कॉपी टू क्लिपबोर्ड करता हूँ, क्योंकि मुझे यूआई पार्ट में अभी नहीं फंसना है, मेरे को फंसना है सिर्फ बैकएंड पार्ट में, क्योंकि बैकएंड के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी जो हमें काफ़ी सारे एरर्स प्रोवाइड करेंगी, तो उनसे ही हम टैगल आउट हो जाए, उसके बाद ही हम इसमें कुछ कर पाएंगे। चलते हैं भाई, ये हो गया, इसको करते हैं रिमूव, आर एफ सी रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, और इसकी जगह हम पूरा ये लगा देंगे। सो इसको किया रिमूव एंड दिस। अब ये जो है हमारे पास एच टी एम एल कोड है, इसको कन्वर्ट कर देंगे अपने जे एस एक्स या टी एस एक्स में। तो उसके लिए हमें करना है सिर्फ कंट्रोल शिफ्ट एक्स प्रेस करना है, बिकॉज ऑफ मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ है जिसकी मदद से मैं इस पूरे एच टी एम एल कोड को कन्वर्ट कर पा रहा हूँ जी एस में। उस टेक का उस एक्सटेंशन का नाम है एच टी एम एल टू जे एस एक्स, जिसकी रेटिंग 5 है, तो आप इसको इंस्टॉल करना, काफ़ी मज़ेदार है। सो देखते हैं अभी के लिए क्या दिख रहा है, तो ये दिख रहा है जो कि काफ़ी कूल है। एक काम करते हैं, पहले तो चलते हैं अपने मीशो पे या फिर किसी वेबसाइट पे जहाँ से हम कुछ प्रोडक्ट्स ला सकें। ये है हमारा मीशो एप्लीकेशन, नहीं है हमारा, नहीं है हमारा, नहीं है ये किसी और का, लेकिन हम इसको अपना बता रहे हैं क्योंकि तो हमारा हो सकता था कभी, ठीक है, लिख दिया हमने बस इसे। तो मीशो डॉट कॉम चलते हैं, और यहाँ से क्या करते हैं, हम दो तीन प्रोडक्ट की फोटोज लेके आते हैं और उनको बाय करने का ऑप्शन लेते हैं। पहले तो ये जो लिखा हुआ है ना लर्न मोर, और ये जो आइकन्स बने हुए इनको रिमूव करते हैं। सो पहले तो हम अपना रिएट की शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं जो रिएट ने हमें प्रोवाइड कर रखी है। वो कौन सी शक्तियाँ हैं, वो शक्तियाँ ये हैं कि आप इनको हटा दो, इसकी जगह आप यूज करो लिस्ट मैपिंग का, विच इज मैप मैथड का। तो हमारे पास एक एरे है जिसको हम 3 साइज देते हैं, उसको फिल कर देंगे नल से और मैप चला देंगे इसमें, जिसमें करंट और आय रिटर्न कर देंगे एक सिंपल सा, ये दे कर दिया रिटर्न। इसमें क्या करना है, हमें इंडेक्स प्रोवाइड करनी है, यानी की विच इज आई, इससे जो एरर्स आते हैं इंडेक्स वाला वो नहीं आएगा इससे। अब जो बचा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, सबसे पहले जो एस वी जी आ रहे हैं वाले इनको रिमूव करते हैं। तो लर्न बोर्ड कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि पूरा डिव जो है ये हटेगा, नहीं चाहिए इतना डिव में, क्या करेंगे इस डिव का, कुछ नहीं करना। हमें डॉट एम बी लेते हैं, एक बटन लेते हैं पी एक्स फोर पी वाई टू बी जी ब्लैक टेक्स्ट वाइट राउंडेड एम डी और शेडो, ठीक है, क्या करना है हमें, इतना बाय, ठीक है, या इस पर क्लिक करूँ ये अपना बाय हो जाए, सिंपल सी बात है। प्लस लगा लेते हैं यहाँ पर, और इसको एम एल ओ टू कर लें तो शायद कुछ बात बन जाए क्या। सो ये हो गया, अब एक काम करते हैं यहाँ पर कुछ फालतू क्लास लगा दी, कोई नहीं। अब क्या करना है, इस पर क्लिक करने पर हमें ये प्रॉपर्टी
प्रोडक्ट जो है परचेज करना है। तो पहले तो हम मीशो पे चलते हैं, क्योंकि चल नहीं रहा है मीशो सर्वर, शायद काम नहीं कर रहे क्या सुबह सुबह। कोई नहीं, तो हम अमेजोन चलते हैं और अमेजोन से कुछ हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स के फोटोज लेके आते हैं, फोटोज प्राइस कैटेगरी, जिससे हाँ थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि हाँ ई कॉमर्स के अंदर ये सारे आइटम्स ही हो सकते हैं। सो लेट्स गो एंड विजिट amazon.com। सो ये भी मुझे लगता है चला गया है, तो तब तक क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ प्रोडक्ट्स इमेजेस, या फिर फेक पे चलते हैं। इससे अच्छा फेक वाला जो है टेक्स्ट स्टोरी पे यहाँ चलते हैं। यहाँ आपको हर चीज़ मिल जाएगी, चाहे आपको ये चीज़ें मिले ना मिले, लेकिन आपको ये चीज़ें भी मिलेंगी। तो चलते हैं प्रोडक्ट्स पर। 20 प्रोडक्ट जो है इसके पास अवेलेबल है, तो इनका हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इनकी इमेज लेते हैं। तो देखो हमारे पास पूरा पूरा एरे दिया हुआ है, एरे के अंदर तीन चीज़ें। तो एक काम करते हैं, हम एरे लेते हैं और एरे का तीन आइटम लेते हैं, एक दो तीन आइटम, बस इतना ही चाहिए हमें। और इस एरे की जगह, इसको लगाते हैं, ये लगा दिया हमने एरे की, ठीक है। अब इसमें क्या आ गया, आपका प्राइस भी आ गया, टाइटल भी आ गया, डिस्क्रिप्शन भी आ गया, कैटेगरी भी आ गया और इमेज भी आ गया। लो कितना अच्छा रहा आपके लिए। तो ऐसे अगर साथ ही मिल जाए तो कितना मजा आ जाता है। तो बेसिकली क्या करना है हमें, इस करंट को कॉपी करना है और पहले तो इसकी इमेज चेंज करते हैं। तो इमेज के लिए करना है, जो अपना करंट है उसके अंदर इमेज मिलेगा, ठीक है। कैटेगरी के लिए करंट और कैटेगरी, और इसको कैपिटलाइज कर लेंगे। तो कैपिटलाइज क्या हुआ, क्या नहीं किया तो कर लेते हैं हम, क्योंकि कैटेगरी था अभी कैपिटलाइज था ना, कैटेगरी कैपिटलाइज और ओके सॉरी कैटेगरी स्टैटिक लिखा हुआ है वो, ये कैटेगरी कोई नहीं, माय मिस्टेक। क्या करना है हमें, करंट डॉट कैटेगरी कि किस कैटेगरी से है प्रोडक्ट, साथ ही उसकी डिस्क्रिप्शन, जो भी उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है, करंट डॉट डिस्क्रिप्शन होगा क्या, हाँ ये रहा। इसके बाद कितने प्राइस का है, तो लेट सपोज प्राइस नहीं दिया, लेकिन हाँ इस पर हम लिख सकते हैं प्राइस को, विच इज करंट डॉट प्राइस। और मान लो प्राइस जो है डॉलर में, डॉलर मान लो, रुपीज मान लो, तो एक काम करते हैं आइनर मानते हैं। तो आइनर के लिए हमें करना पड़ेगा, सिंबल लाना पड़ेगा। तो वैसे तो ये होता है 8377, ये होता है सिंबल, बाकी चेक करना पड़ेगा कि मैं जो लिख रहा हूँ सही है कि नहीं, बिकॉज आई डोंट नो कि सही होगा, शायद हैज लगाना पड़ेगा अभी। हाँ सही है ये, सो मुझे याद था ये। इसमें क्लिक करने पर हम अब प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, लेकिन अभी इमेज नहीं आया यार, सारा कुछ हो गया लेकिन इमेजेस का क्या सीन था, इमेजेस तो हमने चेंज कर दी ना, हमने फेक स्टोर की इमेजेस लगाई हैं जो इस पर लोड हो ही नहीं रही है, ठीक है। हाँ थोड़ी थोड़ी हो रही है, हो रही हो रही, शायद मेरा नेट स्लो है इस वजह से ये काम कर रही है, कोई नहीं। अब क्या करना है मेरे को, अब काम करना है कि इस पर क्लिक करने पर अपनी रिक्वेस्ट जाए। तो उसके लिए हम यूज करेंगे एक्सियोस का, सही गैस किया आपने, NPMI एक्सियोस। तो एक्सियोस पे चलते हैं। और हाँ यार एक गलती कर दी या फिर सही किया हमने, कि हमें ना यहाँ पर थोड़ा सा राउटिंग का भी कॉन्फ्यूजन करना था, क्योंकि जब पेमेंट हो जाएगा तो उस यूजर को शो करना है कि तुम्हारा पेमेंट हो चुका है और तुम इस पर विजिट करके अपना पेमेंट का डिटेल जो एक्सेप्ट कर सकते हो, वो सारी चीज मतलब जो होती है वो भी करना था ना। तो एक काम करते हैं, फटाफट रिएक्ट राउटर डोम का यूज करते हैं, विच इज रिएक्ट राउटर डोम। इस पर आना है और इस पर मिल जाएगा आपको सारी चीजें। तो अभी 6.4 चल रहा है, बाय द वे इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया, इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पूरे पूरे मेथड्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से अभी अपडेट हुए हैं और कैसे इसको यूज करना है, तो इसको देखेंगे। लेकिन अभी क्या करना है, अभी हमें काम करना है इस पर, ठीक है। तो पहले तो क्या करना है, लिखता हूँ NPMI रिएक्ट राउटर डो, इस तरीके से पैकेज है, ये इंस्टॉल करना है। पहले फाइल क्रिएट करता हूँ राउटर डॉट TSX, इसमें सारे के सारे जो राउट्स होंगे वो इसके अंदर होंगे। पहला राउट क्रिएट कर लेते हैं, तो यार्न टैब, उससे पहले कुछ पेजेस क्रिएट करनी पड़ेंगी जिन पेजेस के अंदर डेटा होगा। तो पहले थे पेजेस, इसमें पहला पेज जो होगा वो कहलाएगा हमारा होम पेज डॉट TSX REFC। और ये जो फालतू का कोड, नॉट फालतू का, फालतू नहीं बोलेंगे इस कोड को हम, क्योंकि हमने पूरा का पूरा मैनेज से लिखा हुआ है कोड। इस कोड को कंट्रोल एक्स करना है और राउटर के अंदर, नॉट दिया राउटर, होम के अंदर पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये बन गया हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट। अब आते हैं यहाँ पर बोला एक्सपोर्ट कॉस्ट राउटर इक्वल्स टू यूज राउटर, नॉट राउटर, इट्स क्रिएट ब्राउजर राउटर। ओके तो सेशन नहीं आ रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो कल इम्पोर्ट करते हैं फ्रॉम राउटर टू क्रिएट ब्राउजर राउटर, इसको लेना है हमें, ठीक है।
इसके अंदर क्या करना है हमें, पहले एक ऑब्जेक्ट पास करना है, और ये पूरा का पूरा एक एरे होता है। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर पाथ, पाथ के अंदर कि आप पाथ पे क्या चाहते हो। मैं चाहता हूँ जब भी कोई स्लैश पर हिट करे तब ये कंपोनेंट जो है ये हिट हो। कौन सा? ऐप कंपोनेंट। इसके अंदर चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के अंदर फिर पाथ, पाथ में स्लैश पे क्या करना है तुम्हें, ये वाला कंपोनेंट चलाना है। कौन सा? होम पेज। बस इतना काम करना था, हो गया तुम्हारा काम राउटिंग का। मुझे अच्छा लगा कि राउटिंग में ना कुछ भी नहीं करना पड़ता, बहुत बेसिक कर दिया राउटिंग उन्होंने, जितना बेसिक था उतना हो सकता था, कर दिया सारा सारा। ठीक है, मे बी और भी शायद कर सकते हैं इसको, कोई नहीं, हमें तो यूज़ करना आता है, तो टेंशन नहीं लेना आपको। ये हो गया, अब क्या करना है, जो हमारा ऐप था इसको हटा दो यहाँ से। क्या वर्क कर रहा होगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ऐप के अंदर आउटलेट नहीं, तो आउटलेट डालते हैं, डाल दिया मैंने आउटलेट, आ गया, अच्छी बात है। एक और करते हैं, राउटर में आते हैं, और मैं बोलता हूँ कि भाई सुन सुन, क्या कि जब भी कोई पेमेंट स्लैश आईडी पे हिट करता है तब उसको देना चाहिए सक्सेस या जो फेल पेज है वो वाला। तो मतलब कि इंफॉर्मेशन या फिर सक्सेस पेज, सिंपल बोलिए सक्सेस पेज डॉट टी एस एक्स आर एफ सी, इस तरीके से सक्सेस पेज बोल दिया मैंने। सक्सेस नहीं, एक काम करो ना, इसको हम चेंज करते हैं ड्यूरिंग सक्सेस स्टेटस और कॉलन आईडी। मतलब कि अब दो बता दिए मैंने, इसमें हम बोलते हैं इसको स्टेटस पेज, स्टेटस पेज, और इसको करते हैं इंपोर्ट। ये कर लिया स्टेटस पेज। ठीक है, जब भी कोई स्लैश पेमेंट स्लैश सक्सेस स्लैश 1234 पर हिट करेगा तब मुझे ये पेज दिखेगा। अगर मान लो पेमेंट फेल भी हो गया तो फेल पे ये दिखेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे को तो। ठीक है, इसको डिजाइन कर लेते हैं फास्ट। तो इसके लिए करना है, इसमें आते हैं, बोलते हैं भाई सुनो, जो इसकी हाइट है उसको सेट कर दो, स्क्रीन फ्लैक्स कर दो, आइटम्स को सेंटर कर दो, जस्टिफाई सेंटर कर दो, फ्लैक्स कॉल कर दो। ठीक है, डब्ल्यू वन वाई टू कर लो, शेडो, और शेडो कर लेते हैं, अच्छी बात है, राउंडेड को एफ डी कर लेते हैं, एच वन या फिर स्टेटस जो भी होगा वो, और वो आईडी। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, कॉन्स्ट समथिंग फ्रॉम यूज पैराम्स, पैराम्स में क्या जाएगा जो भी होगा, मान लो एक ऑब्जेक्ट में लेते हैं, जैसे कि एक हमारे पास आएगा स्टेटस जो कि स्ट्रिंग होगा, एक आईडी आएगा वो भी स्ट्रिंग होगा, क्योंकि सारी चीज़ जो होती है इनपुट में स्ट्रिंग ही आती है, तो ये चीज़ मेजर करना। तो आपके स्टेटस और आईडी आ गए, स्टेटस यहाँ पे आ जाएगा, एक आपका आईडी आ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर स्टेटस और आईडी आपने डाल दी। तो यही था सिंपल आपका स्टेटस फेल, और देखोगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा स्टेटस फेल आईडी दिस दिस, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या करना है, इसको थोड़ी सी हाइट विड्थ, सॉरी नॉट हाइट विड्थ, क्लास नेम सेट करते, क्लास फ्रैक्टल कर दिया, तो ये इंक्रीज हो जाएंगे। टेक्स्ट को सेंटर कर लेते हैं, ठीक है, और एक बैक कार्टन लगाते हैं, तो btn px 12 py 2 bg black text white। तो इतना करना है हमें, इससे क्या होगा हमारा एक बटन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, क्रिएट करते हैं बैक का, तो ये हो जाएगा। इसको बीच में लेना है तो सिंपल एक काम करते हैं कि बीच को ही पूरा फ्लैक्स और जस्टिफाई सेंटर और आइटम सेंटर करते हैं, जिससे ये बीच में आ जाएगा। जो क्लास नेम ऊपर लगाइए वही क्लास नेम नीचे लगा देते हैं, तो ये बीच में आ जाएगा। कैप बाय देते हैं 4 का, तो 4 हमारे पास कैप मिल जाएगा, तो यही चाहिए था। अब फेल आए जो भी आएगा वो स्टेटस आ जाएगा, आईडी जो है वो आ जाएगा। बैक पर क्लिक करें, बैक होना चाहिए, तो नेविगेट यूज करते हैं, कॉस नेविगेट, यूज नेविगेट, और नेविगेट क्या करना है, ऑन क्लिक करना है, जिसपे क्या करेंगे नेविगेट ऑफ माइनस वन कर लेंगे। ठीक है, क्लिक करेंगे बैक पे तो बैक हो जाएंगे, लेकिन
कोई नहीं, बैक किया तो आगे पेज में। अब देखो सिंपल सा वर्किंग है मेरा, अब मुझे यूआई पे काम नहीं करना, मेरा हो चुका है। वर्किंग ये है कि मैं बाय में क्लिक करूँ, मेरा पेमेंट इनिशिएट हो यूजिंग पे यू मनी जो भी मेरा है पेमेंट गेटवे उसके द्वारा, और उसमें जो ट्रांजेक्शन की डिटेल्स होती हैं जैसे कि उसका यूजर का नाम क्या है, अभी के लिए यूजर का स्टैटिक है, कोई भी यूजर नहीं है, कोई भी लॉगिन नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, लेकिन क्या है कि यूजर को हमें बताना पड़ेगा कि तुम्हारा पेमेंट हो चुका है, इस नाम से है, दिखाना पड़ेगा ना ये चीज़। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि पहले है ना हम अपना पेमेंट जो है उसको क्रिएट कर ले, तो उसके लिए ना हमें डॉक्यूमेंटेशन चेक करना पड़ेगा कि कैसे हम नोड जेस के अंदर, यानी कि नोड जेस एक्सप्रेस जो हम पढ़ रहे हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं इसके अंदर काम करते हैं। तो उसके लिए देखो काफी सारे दिए हुए हैं, देखो यहाँ पर पूरा डॉक्यूमेंटेशन है कि कैसे उसको इंटीग्रेट करते हैं, स्टेप्स दिए हुए हैं इंटीग्रेशन के। तो हमें तो टेस्ट इंटीग्रेशन करना है अभी के लिए, तो क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है नहीं जिसमें दिया हुआ है कि आप ऐसे कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर यूज करते अपना जावास्क्रिप्ट, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है नोड जेएस एसडीके सर्वर साइड एसडीके, इसमें जिसमें दिया हुआ है कि भाई क्रिएट अ पेमेंट फॉर्म क्रिएट कर लो, कर लिया, वेरीफाई द ट्रांजेक्शन फलाना ठिकाना अटरम जटरम सब कर लिया इसने। हम क्या करते हैं सिंपल आते हैं, तो पहले बोल रहे हैं भाई एक काम कर, पहले तो तू एक पैकेज इंस्टॉल कर जिसका नाम है पे यू मैप एस डी के, किस में करना है अपने पैकेंड में। तो फ्रंट एंड को अभी क्लिक करते हैं क्लोज, ठीक है, चलते हैं अपने बैकेंड में, सी डी बैकेंड, और सब फाइल्स को मैं करता हूँ क्लोज अदर, इसको क्लोज, बैकेंड को लेके आते हैं अपने सर्वर डॉट जेस को लाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एन पी एम आई और जो भी है डॉट दिस सिंपल एन पी एम इंस्टॉल पे यू मैप एस डी के, ये कर लिया मैंने। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो पे यू मनी के हमारे पास एपीआई हैं वो सारी की सारी एक्सेस हो सकती है बहुत ही इजीली। इतना सिंपल कोड दिया हुआ है इन्होंने कि लगता है कि बहुत जल्दी काम करेगा ये कोड, देखना काम करता है कि नहीं करता है। बाकी दिखाता हूँ आपको कि कितने सारे एरर्स आए थे जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज किया था। तो पी यू डॉट कॉन्फिग डॉट जे एस एक फाइल क्रिएट कर ली मैंने जिसके अंदर हम कॉन्फिगरेशन करेंगे पे यू मनी की। इसमें बोला मैंने एक्स कॉस्ट समथिंग फ्रॉम रिक्वायर ऑफ पे यू एस डी के, ये लिखा मैंने देखो इस तरीके से। अभी देखो यहाँ पे क्या पैकेज दिया हुआ है पे यू वेब एस डी के, है ना, और यहाँ क्या है ये, भाई कितनी मार खाओगी मेरे हाथ से ये पता नहीं। कोई नहीं, हम क्या करते हैं यहाँ पे अपना लिखते हैं पे यू, ठीक है। इसके क्या करना है हमें एक पे यू क्लाइंट क्रिएट करना पड़ेगा, तो क्रिएट क्लाइंट। अब देखो क्लाइंट के लिए हमारे पास ई एन वी में दो वेरिएबल्स हैं मर्चेंट की और मर्चेंट सॉल्ट, तो इनका यूज करेंगे। तो कॉन्स्ट पे यू क्लाइंट इक्वल्स टू न्यू पे यू, इसके अंदर हमें डालना है क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल बोले तो जो इसके आईडी और वो होते हैं यानी की और सॉल्ट, तो की यहाँ पे आ जाएगा विच इज जब की हो ना ऐसे नहीं लेते को, हमें ऐसे लेना पड़ेगा कि हम उसको बाहर भी यूज कर सके। तो कॉन्स्ट की इक्वल्स टू की मतलब कि जो पे यू की है वो वाला पे यू की प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट मर्चेंट की पे यू सॉल्ट, इसको भी ऐसे लेते हैं और की यहाँ पे आ जाएगा हमारा सॉल्ट जो है वो हमारा यहाँ आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं यहाँ पर इसको बोलूँ एक्सपोर्ट डॉट, क्या एक्सपोर्ट करना है मेरे को पे यू डेटा जिसके अंदर मैं पे यू क्लाइंट पे यू की, क्योंकि बार बार यूज होने वाले हमारे, और पे यू सॉल्ट, ये तीनों चीज बार बार यूज होंगी, तो इसलिए हमने तीनों को ले लिया यहाँ से। अब क्या करना है, अब इनके द्वारा हम पेमेंट को इनिशिएट करेंगे। इनिशिएट बोले तो कि जब भी यूजर उस पर क्लिक करेगा इस वाले राउट पे तभी काम करेगा। तो पहले तो एसिंक कर लेते हैं पैकेज, और जो भी एरर होगा उसको रेस्ट डॉट स्टेटस 400 डॉट सेंड पे एरर डॉट मैसेज को सेंड कर दें। तो बात समझो मेरी, मेरी बात कहने का ये है कि अगर आप लोग आप पेमेंट करते हो आपने एक्सियोस के द्वारा जो भी आपने यूज किया है उसके द्वारा आपने पेमेंट कर दिया, मेरी बात समझना, आपने पेमेंट कर दिया, पेमेंट करते समय आप क्या क्या प्रोवाइड करोगे,
आप प्रोवाइड करोगे, लेट्स सपोज कि आप रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से कुछ ऐप सेट कर रहे हो, आप खुद एक ई कॉमर्स बना रहे हो, ई कॉमर्स वेबसाइट, जिसके अंदर कुछ डेटा तो आप भेजोगे, जैसे कि अमाउंट, कि वो जो डेटा है जो आपका प्रोडक्ट जो है वो कितने प्राइस का है, ठीक है। सेकंड थिंग कि उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, डिटेल्स क्या है, वो चीजें, मान लो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे दी आपने। इसके बाद यूजर का नाम क्या है, मान लो फर्स्ट नेम डाल दिया आपने उसका, ठीक है, उसका ईमेल क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, ठीक है, इस तरीके से, लेट्स सपोज उसका एड्रेस डाल दिया आपने, तो ये सारी चीज़ तो आप डालो ही डालोगे, तो ये तो आपको चाहिए ही चाहिए कि बेसिक चीजें जो मुझे चाहिए, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ, इनिशिएट अ पेमेंट, अगर आपको पेमेंट इनिशिएट करना है तो आपको मिलता है पेमेंट इनिशिएट मेथड, करते हैं। देखो यहाँ पर जेसन ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, लेकिन जेसन जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में कोई भी इसके बारे में नहीं पता कि कैसे इसको यूज करते हैं। अगर यहाँ पर भी आके देखें इसी डॉक्यूमेंटेशन पे, तो इनको भी नहीं पता कि कैसे हम वो करते हैं, लेकिन यहाँ पर ना इन्होंने दिया हुआ है स्मार्ट इंटर्न वाला, देखो ये एक पैकेज दिया हुआ है पाइथन जावा पोर्टल में दिया हुआ है। नहीं, ये नहीं चाहिए मेरे को, मेरे को चाहिए कि कैसे हम नोड जेएस में जो जेसन ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसको यूज करते हैं। तो मैं डायरेक्टली आता हूँ इंटीग्रेशन स्टेप्स में, ठीक है। यहाँ पर देखो कहीं पर भी इस जेसन ऑब्जेक्ट के बारे में बात नहीं किया इन्होंने, ठीक है। थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूज कर दिया यहाँ पर कि जेसन ऑब्जेक्ट है क्या, मतलब जेसन तो है लेकिन क्या, अगर हम मान लो हम इसको कॉपी भी कर लें, समझना, कॉपी भी कर लें और इसको पेस्ट भी कर, अभी हम गेट राउट पर काम कर रहे हैं क्योंकि फ्रंट एंड पे तो हम जब काम करेंगे तो हमारा गेट राउट अच्छे तरह वर्क करेगा, ठीक है। अभी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं है तो हम क्या चाहते हैं, ये जेसन जो है क्या है, तो मान लो अभी के लिए हम एम्प्टी पास कर देते हैं। अब पे यू क्लाइंट कहाँ से आएगा, ये पे यू क्लाइंट आएगा जो हमने अभी क्रिएट किया था जस्ट ये वाला पे यू डेटा के अंदर से, तो पे यू डेटा डॉट पे यू क्लाइंट, ठीक है, डॉट पेमेंट इनिशिएट, ये मेथड है कि नहीं, इसमें देख लो ये है इसके अंदर, इसमें पास करना है। अगर इस पर होवर भी करोगे तो अभी पैरम्स जो है वो आपके ऑप्शनल दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, ऑप्शनल दिए हुए हैं, अच्छा जी, ठीक है। और जो भी आएगा वो आपको रेस्पॉन्स में सेंड एज अ रेस्पॉन्स आप प्रिंट कर रहे हो, अच्छा इसका नाम चेंज करते हैं, रेस्क्यू करते हैं, क्योंकि दो रेस्पॉन्स हो जाएंगे इस तरीके से, एरर तो रहेगा अपना ही रही है। अगर मैं इसको चेक भी करूँ कि ये जो राउट है वो क्या कह रहा है मेरे से, सो समझना क्या कहेगा ये हमसे। सो पहले तो नोड स्टार्ट करते हैं, चलते हैं और लोकल होस्ट 4000 स्लैश गेट पेमेंट, ये गेट पेमेंट ही ना, गेट पेमेंट ही है। सो गेट पेमेंट एंटर करते हैं, देखो क्या आ रहा है, ई एग्जिम आईडी आ रहा है, ठीक है। और ये कहाँ से आ रहा है, ये आई डोंट नो कहाँ से आ रहा है, तो एक काम करते हैं, ये तो शायद एरर से आ रहा है क्योंकि रेस्पॉन्स हमें यही सेंड किया हुआ है, बाकी यहाँ पे अगर रेस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं हम, सो क्या भेज सकते हैं हम, मैसेज पेमेंट डन, ऐसे ही भेज सकते हैं अगर भेजना भी होगा तो हमें, ठीक है। लेकिन अभी देखो कि जैसे मैं ये कर रहा हूँ, हम यहाँ पे ना एरर को पूरा का पूरा ही भेजते हैं, लेकिन एरर को ऐसा ऐसे भेजते हैं, सिंपल एरर किया हमने, और देखते हैं कि अब जो एरर जो है कैसे जाएगा। सो मैं दोबारा अगेन कर रहा हूँ, देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है पे यू मिसिंग पैरामीटर्स एक्सेप्शन, कि मतलब आपने कुछ पैरामीटर्स जो है वो गलत भेज दिए, तो आप ऐसा ना करो, आपको क्या करना है, सबसे पहले ढंग से अच्छी तरीके से पैरामीटर्स पास करने हैं। अब कौन से पैरामीटर्स, इसने बोला टी एक्सन आईडी, अभी दिखाया था ना टी एक्सन आईडी। सो अगर मैं एरर डॉट मैसेज कर रहा हूँ ना, और लिखते हैं मैसेज दिस और स्टैक एरर डॉट स्टैक, देखो अभी समझना कि हमें एरर क्या मिल रहा है और उस एरर का मतलब क्या है। मैंने फ्रेश किया, ये बोल रहा है कि आपको टी एक्सन आईडी भेजना पड़ेगा, पे यू मनी एक्सेप्शन एरर आ रहा है जिसमें आपको टी एक्सन आईडी भेजना है, ट्रांजेक्शन आईडी, वही बोल रहे हैं। तो एक काम करते हैं, अभी तो है नहीं, क्लिक कर लेते हैं, तो कॉस्ट टी एक्सन आईडी, लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, लिखते हैं पे यू मनी, मतलब अपनी तरफ से कुछ भी क्रिएट कर रहा हूँ जो भी मेरा ई कॉमर्स है उस हिसाब से, प्लस मैथ डॉट रैंडम, ये मेरा एक टी एक्सन आईडी क्रिएट हो गया। और मैंने क्या है टी एक्सन आईडी, ये सब पैरामीटर जो पास करना पड़ेगा एज अ जेसन ऑब्जेक्ट। देखना कि अभी हम जो काम कर रहे हैं वो टी एक्सन ये वाला काम कर रहे हैं, कौन सा
ये ऑब्जेक्ट वाला, क्योंकि ऑब्जेक्ट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इनके पास। देखो ये पास किया, रिफ्रेश किया, क्या बोल रहा है कि आपको अमाउंट डालना पड़ेगा। चलो अमाउंट डाल लेते हैं। सो अमाउंट, लेट्स सपोज अमाउंट जो है हमारे प्रोडक्ट का वो 400 रुपीज है, ये हमने डाल दिया 400, 450 जो भी है। रिफ्रेश किया, क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन डालो कि आपका प्रोडक्ट क्या है। तो डाल देते हैं भैया, प्रोडक्ट जो है उसका नेम जो है वो क्या है, टी शर्ट है, और प्राइस जो है वो 399 है, ये डाल दिया मैंने। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, क्या बोल रहा है कि फर्स्ट नेम डालो। सारे के सारे पैरामीटर्स हमसे ही करा लेगा, ये देख लेना। फर्स्ट नेम डाल देते हैं, लेट्स सपोज डाल दिया कृष्णा, अच्छा नाम है ना कृष्णा। रिफ्रेश किया, फिर डाल रहा है कि ईमेल डालो। सो कॉपी करते हैं, चलो ईमेल के पास, और डाल दिया कृष्णा एट द रेट gmail.com। वैलेट डालोगे तो वैलेट आपके पास इनवॉइस पहुंच जाएगा। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं, फोन नंबर डालो तो फोन डाल देते हैं। सो फोन के लिए मैं क्या करूँगा, यूज करूंगा लेट सपोज वही डाल देते हैं, स्ट्रिंग के अंदर नहीं ऐसे डाल देते। ये डाल दिया इनवैलिड है, पर डाल दिया, रिफ्रेश करते हैं, एस यू एल डालो, एस का मतलब होता है सक्सेस यू एल। ठीक है, सो ये हमें डालना ही पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक और डॉट क्रिएट करते हैं जो हमारा काम करेगा, ऐप डॉट पोस्ट। पोस्ट ही क्रिएट करना है, गेट क्रिएट नहीं करना है, मेक श्योर करना है, वेरीफाई स्टेटस टी एक्सन आईडी। जो भी होगा देखा जाएगा, इसको तो अभी के लिए रहने दो, रेस डॉट सेंड ये लिख दिया मैंने। और इस डॉट पे क्या है, एस यू आर एल पास करना है, आपको क्या जाएगा लोकल होस्ट एच टी टी पी लोकल होस्ट, जो भी हमारा पोर्ट है वो, तो पोर्ट स्लैश स्टेटस यानी कि सक्सेस पे डाल देते हैं इसको। और आईडी क्या हो जाएगा, आईडी हमारा टी एक्स एन आई टी हो जाएगा, जो ट्रांजिशन आईडी है वही। ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, और इसको क्या करना है, टेम्पलेट डिटेल्स में बाइंड अप करना है। तो टेम्पलेट डिटेल्स ये हमने कर दिए, इसमें हम इसको डाल दे रहे हैं, और साथ ही आगे से भी इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये चेंज कर लिया हमने इस तरीके से। ठीक है, तो ये चेंज हो गया। अब क्या करना है, अब इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है कि एफ यू एल डालो, यानी कि फेल यू एल डाल। सो डालते हैं। मुझे एक बात तो पूछनी है पे यूनिवर्स से कि भाई एक बात आओ, जब तुम्हें डलवाना ही है सारी चीज, तो यहाँ पर थोड़े से ऑप्शन प्रोवाइड कर देते हमारे लिए, थोड़ी सहूलियत हो जाती हमें भी, लेकिन अपनी बकवास स्ट्रेटजी को अपनाए करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये, कोई नहीं। रिफ्रेश करते हैं, अब बोल रहा है सुनो, पे यू मनी पे यू डेटा पे यू क्लाइंट पे यू इनिशिएट दैन इज नॉट अ फंक्शन। मतलब कि इतना सारा होने के बाद बोल रहा है कि दैन इज नॉट अ फंक्शन। अच्छा जी, तुम्हारी सही बात है, तो हम एक काम करते हैं, दैन वैन को हटा ही देते हैं। चलो हटा दिया हमने। हम बोलते हैं कॉन्स्ट डेटा, क्या बोल रहे हैं कॉन्स्ट डेटा, और इसको लगाते हैं अवेट, क्योंकि प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, सीधी बात है। तो इस डेटा को मैं एज अ रेस्पॉन्स जो है यहाँ पर सेंड कर देता हूँ। चलो मैंने कर दिया सेंड, क्योंकि इसके अंदर क्या आता है, एक यूआरएल आता है पेमेंट का, जिस पर इनिशिएट करेगा कि हाँ यार तुम्हें जो अपना डेटा है वो तुम्हें यहाँ पर सेंड करना है, बस यही होता है इसके अंदर, आई कुछ नहीं होता। तो इतना हमने डेटा डाल दिया, अभी एरर्स आएंगे, अभी देखना एरर्स क्या आते हैं वो दिखाऊंगा मैं आपको। रिफ्रेश करूंगा, देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर पेमेंट के लिए चला गया, क्या बोल रहा है, पे यू मनी के टेस्ट पे यू पे आया, और यहाँ बोल रहा है कि एरर रीजन ट्रांजेक्शन फेल्ड ड्यू टू इनकरेक्टली कैलकुलेट हैश पैरामीटर। समझ रहे हो, ड्यू टू कैलकुलेट हैश पैरामीटर, आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से हैश क्रिएट करना है। क्या करना है, हैश क्रिएट करना है, जिसमें आपको ये सारे पैरामीटर्स पास करने हैं, जिसमें UDF1, UDF2, UDF3, UDF4, UDF5 ये पास करने इस तरीके से। समझ रहे हो कि ऐसे आपको पास करना पड़ेगा। चलो एक हैश क्रिएट करते हैं। सो अब हैश कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए पैकेज होता है विच इज क्रिप्टो, सुना ही होगा नाम, तो नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आप देख लो, क्रिप्टो रिक्वायर ऑफ क्रिप्टो CRY PTO। बाकी गाइस बता दूं आपको, मैंने ऑलरेडी कर रखा है रेडमी के अंदर, बट आपको बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे एरर्स आते हैं, जैसे जैसे एरर्स आएंगे बता दूंगा आपको सॉल्व कर करके कि ऐसे एरर सॉल्व होते हैं। ठीक है, सो मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं सारे काम, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे हम कर रहे हैं। इसमें क्या है, कॉस्ट समथिंग नॉट दिस, कॉस्ट हैश इक्वल्स टू शा दिस वन।
अब शार्ट ये कहाँ से आएगा देखना पड़ेगा, अभी बताऊंगा इसके बारे में। जब तक क्या करते हैं हम इसमें डेटा डालते हैं, तो पेयू डेटा जो हमारा था उसके अंदर की थी ये डालनी है यहाँ पे, पेयू डेटा डॉट सॉल्ट ये रहेगा। एक्शन आईडी कौन सी है, ये वाली आईडी है। अमाउंट कहाँ से आएगा, अमाउंट यूजर पास करेगा अपने पास से, ठीक है अमाउंट हो जाएगा ये वाला। प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन वो ये हो जाएगी, ये यहाँ पहुंच जाएगा ठीक है। और साथ ही अगर फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम जो है हम ये सेट कर लेंगे, ईमेल जो है ईमेल डाल देंगे, मोबाइल जो है मोबाइल यहाँ डाल देंगे। एस यू आर ये तो स्टैटिक रहेगा, इसमें तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, तो ये चीज तुम्हें भेजनी पड़ेगी। अमाउंट जो है अमाउंट भी तुम्हें भेजना पड़ेगा, सो अमाउंट तुम्हें ये, तो ये तो हमें करना ही करना है। इसके बाद हमारा जो हैश है इस पर डिपेंड करता है कि हैश जो है वो सही होना चाहिए। अब इसमें कुछ ऑप्शन और है, यूडीएफ वन, यूडीएफ टू, यूडीएफ थ्री, यूडीएफ फोर, यूडीएफ फाइव, ये तो है तो सही। एक काम करते हैं इनको ना स्टैटिक क्रिएट कर लेते हैं, मतलब कि कुछ भी इनके अंदर नहीं होगा। यूडीएफ वन, यूडीएफ टू, यूडीएफ थ्री, यूडीएफ फोर, यूडीएफ फाइव, तो पांच हमने क्रिएट कर लिए जो हमें यहाँ पर मिल गए। इनमें कोई काम नहीं होता, बस हमने डाल दिए यूडीएफ वन, यूडीएफ टू। अब तुम पढ़ सकते हो कि यूडीएफ क्या होता है, कैसे काम करता है, अगर तुम्हें पढ़ने का शौक है तो, लेकिन मुझे नहीं है बिल्कुल भी, तो मैं इसको नहीं पढ़ूंगा। समझ में आ गया। अब देखो कि अब मैं इसको कर भी लूँ, मतलब हैश को पास भी कर दूँ, तो मुझे काफी सारे एरर्स मिलने वाले हैं कि भाई हैश जो आपने अच्छी तरह से कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि शार्प ये वाला कुछ है ही नहीं इसके पास। तो इसके लिए यहाँ पर इस पूरी डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी ऐसा स्टेप नहीं है जहाँ पे हम बता दें कि कैलकुलेट स्टेप हैश कैसे होगा। कैलकुलेट हैश देखना कहीं पर भी नहीं है पूरे इस पूरे इसमें, ठीक है यहाँ पे दिया हुआ है देखो इस तरीके से, लेकिन इसमें कहीं पर लिखा हुआ नहीं कि आप नोड जीएस के साथ या फिर किसी भी जो हमारे पेमेंट मेथड होते हैं उनके साथ इसको यूज कर सकते हो, कहीं पर मेंशन नहीं है ठीक है। तो हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम इसके लिए काम करेंगे, हम यूज करेंगे अपनी शक्तियों का ठीक है। तो देखो ये दिया हुआ है किसी जावा में दिया हुआ है, तो जावा के अंदर ऐसे काम किया हुआ है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करना है, हमें आना है अपनी रीडमी में। देखो मैंने लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपको स्टेप वन पेयू डैशबोर्ड जाना है, जो भी आपका लाइव मोड है वो स्विच कर लेना है आपका लाइव मोड टेस्ट मोड। इसके बाद आपको पेयू का मर्चेंट सॉल्ट की और कैट कर लेना है। इसके बाद हमें क्या करना है, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है यूजिंग npm init माइनस वाई, और एक env क्रिएट करना है जिसमें आपके दो वेरिएबल्स होंगे। इस तरीके से एक एनवायरमेंट भी होगा कि आप किस एनवायरमेंट में काम कर रहे हो, तो एनवायरमेंट तो हमने किया ही नहीं, तो एक काम करते हैं अभी जो एनवायरमेंट है इसको डालते हैं टेस्ट, ये डाल दिया हमने। इसको हम जो अपनी कॉन्फ़िग था उसके अंदर भी डाल देते हैं, विच इज एनवायरमेंट यहाँ पर नहीं यहाँ पर कैसे आएगा प्रोसेस डॉट env डॉट दिस ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है देख सकते हो कि मेरा एनवायरमेंट कॉन्फ़िगरेशन होता है env स्ट्रिंग पास कर दिया हमने, या तो टेस्ट होगा या प्रोडक्शन हुआ इस तरीके से ठीक है। अब क्या था, अब है हमारा बेसिकली मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर हम उसके हैश जो भी ट्रांजेक्शन जो है उसको हम डन कैसे करते हैं। सो बेसिकली चलते हैं अपने इस पे रेडमी पे और चेक करते हैं। सो आते हैं अगेन, तो हमने ये कर लिया। इसके बाद क्या करना है, पेयू मनी का जो पेयू बैब एस डी के ये इंटीग्रेट करना है और एस डॉट पी एन बी ये कर लिया हमने। एक्सप्रेस का एप्लीकेशन क्रिएट करना है जहाँ से हमें दो फंक्शन क्रिएट ट्रांजेक्शन और पेयू मनी मिल जाएंगे पेयू कॉन्फिग डॉट जी एस से। मैंने थोड़ा इसको डिवाइड कर रखा है कोड को, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर डेटा भेजना है, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन, उसका फर्स्ट नेम, ईमेल, मोबाइल, अमाउंट, यही हमने लिया हुआ है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से ठीक है। ये कुछ डेटा है, मतलब इसके थ्रू हम पेमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं, तो हम करेंगे इसको वेरीफाई। अभी करना है कि हमें पेमेंट को क्रिएट करना है, तो उसके लिए कहता कि हमें इस तरीके से पेयू का क्लाइंट क्रिएट करना है जिसमें की और सॉल्ट होगा और जो अपना एनवायरमेंट था ये पास करना है। इसके बाद क्या करना है, हमें क्रिप्टो पैकेज इंस्टॉल करना था, जो इंस्टॉल नहीं मतलब ऑटो करना है, इम्पोर्ट हो जाता है। इम्पोर्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से एक ट्रांजेक्शन हैश में से कुछ डेटा लेना है, मतलब जो आपका ट्रांजेक्शन होगा जो फंक्शन है उसमें ऐसा पैरामीटर आपको इतने सारे जो है वो गेट कर लेना है, ईमेल, फर्स्ट नेम, मोबाइल, ट्रांजेक्शन आई डी, अमाउंट इन्फॉर्मेशन, यूटीएफ वन, यूटीएफ टू, यूटीएफ थ्री, यूटीएफ फोर, यूटीएफ फाइव ठीक है। इतने सारे लेने के बाद आपको कुछ इस तरीके से एक हैश स्ट्रिंग क्रिएट कर दी, ये होती है हैश स्ट्रिंग। जो हमने ये यहाँ पे किया हुआ है वही सेम है हैश स्ट्रिंग ठीक है, ये क्रिएट करनी है जिसमें की कहाँ से आएगी, की आएगी आपकी पहले तो थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ट्रांजेक्शन आई डी हो गई, पे यू डेटा डॉट ये की हो गई
यहाँ पे पेयर डेटा डॉट एस डी के सॉल्ट हो गया, ये चीज लेनी है। यूडीएफ वन यूडीएफ टू आ गया, प्रोडक्ट यहाँ ले लेते हैं हम, ठीक है। यूडीएफ वन हो गया, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये सारे हो गए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है हैश को। तो हैश को कैलकुलेट करने के लिए आप यूज करते हो क्रिप्टो डॉट क्रिएट हैश, जो भी आपकी एल्गोरिथम है वो डॉट अपडेट हैश स्ट्रिंग, और डाइजेस्ट करना है हेक्स से। मतलब आपको ये इतना सा कोड और लिखना है, तब जाके थोड़ा सा और बात बन जाएगी आपकी। ये बन गई बात आपकी। इसके बाद क्या करना है आपको, ये डेटा आपको पास करना है, जिसमें आप एक ऑप्शन पास करते हो कि जो आपकी फील्ड है, मतलब जो अमाउंट है, क्या आप उसको कस्टमर के द्वारा चेंज कराना चाहोगे। तो मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा, तो मैं तो इसको फॉल्स कर दूंगा कि भाई ऐसा तो ना हो बिल्कुल भी, तो ऐसा ना हो तो फॉल्स कर दो। बाकी हैश जो है आपको ये पास करना है, यहाँ पे ये वाला हैश जो है जो कैलकुलेट किया, इसको आपको यहाँ पास कर देना है। बस इतना सा काम करना है। क्या ये काम करेगा? सो लेट्स टेस्ट, बैक चलते हैं। नॉट देयर, लोकल होस्ट 4000 स्लैश पेमेंट एंटर करते हैं। तो भाई एड तो नहीं है, लेकिन हाँ गेट पेमेंट पे क्लिक करते हैं। देखो क्या आ रहा है, ट्रांजेक्शन फेल इनवैलिड अमाउंट, कि भाई जो आपने अमाउंट सेंड किया है इट्स प्योर इनवैलिड। क्यों? क्योंकि रिक्वेस्ट और बॉडी हमने सेंड ही नहीं किया है। ओके तो क्या करें बताओ, पहले काम करते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। तो अमाउंट जो है, इन सारे वेरिएबल्स को मैं डमी क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। डमी क्रिएट कर लेते हैं और क्या करें अभी के लिए। बाय द वे आई थिंक माय वीएस कोड इज हैंग, सो ऐसा ना हो वीडियो भी हैंग हो जाए, तो वीडियो हैंग नहीं होना चाहिए। बाकी कोई हैंग हो कोई दिक्कत नहीं मेरे को। सो आगे काम करता हूँ, लेट लगा के शायद लिख देते हैं 233। प्रोडक्ट जो है उसको भी डाल देते हैं, थोड़ा सा लाइट लगा के लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट जो है डाल देते हैं नेम, विशेष डाल दिया टी शर्ट, प्राइस जो है डाल देते हैं 233। फर्स्ट नेम जो है वो डाल देते हैं कृष्णा, ईमेल डाल देते हैं, तो ईमेल हो जाएगा हमारा harish@gmail.com। मोबाइल नंबर डालते हैं, डाल दिया 12121212, ठीक है, मोबाइल नंबर हो गया। अब ये डिटेल्स हमने यहाँ पे पास कर दिए इसकी, बस चेक करते हैं कि एक कोड जो है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करना है, बैक आना है, गेट पेमेंट पे क्लिक करना है, एंटर किया। सो बोल रहा है ट्रांजेक्शन फेल ड्यू टू इनकरेक्टली कैलकुलेट हैश पैरामीटर, प्लीज एंश्योर दैट हैश यूज्ड इन ट्रांजेक्शन रिक्वायर कैलकुलेटिंग हैश फॉर्मूला, प्लीज नोट करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग। हमने यही किया हुआ है, पहले की डाली है, तो की हमने डाल दिया इस तरीके से। सो की हमारी ये हो गई, इसके बाद ट्रांजेक्शन आईडी हो गई, फिर अमाउंट हो गया, तो अमाउंट डाल दिया हमने, प्रोडक्ट हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, ईमेल हो गया, यूडीएफ वन यूडीएफ थ्री ये तरीके हो गया, और सॉल्ट हो गया। अगर रेडमी चेक करें तो इसके अंदर भी यही है, और करेंसी और ऐड किया हुआ है, तो करेंसी भी डाल देते हैं कि करेंसी भी हमें ऐड करना है। सो इसको भी डाल देते हैं इसमें, एक करेंसी INR हो गई, बाकी सब सेम है। जो डेटा है वो तो आपका रहेगा ही रहेगा, इसमें नई बात नहीं है। एक बार स्ट्रिंग को कॉपी लॉक कर लेते हैं, लॉक किया इसको, किसको करना है, हैश स्ट्रिंग को, लोकल होस्ट 4000 स्लैश गेट पेमेंट पे क्लिक करते हैं। तो अब भी ट्रांजेक्शन फेल दिखा रहा है इनकरेक्टली हैश। बाकी स्ट्रिंग चेक करते हैं, देखो स्ट्रिंग तो हमारा ही आ रहा है, जिसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है कहीं पर ऑब्जेक्ट आ रहा है। ओके तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा प्रोडक्ट जो है इसको ऐसे ना करके इसको बोलते हैं json.stringify, इस तरीके से, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। इसको पूरे को ऑब्जेक्ट को एज अ स्ट्रिंग कन्वर्ट कर लेते हैं, कर लिया हमने, अब चेक करते हैं। तो अब सही सही काम करना चाहिए। सो लेट टेस्ट, लोकल होस्ट 4000। सो इस बार पेमेंट हो चुका है सक्सेसफुली, जिसमें पेमेंट आ गया 233, और इस तरीके से हम आ चुके हैं अपने
पेमेंट डैशबोर्ड पे कि आप किस तरह से पेमेंट करोगे। तो इसके लिए हम चेक करते हैं अपना विच इज टेस्ट कार्ड यूपीआई वॉलेट्स। इसमें मान लो हम यूपीआई से करते हैं या फिर ईएमआई से कर सकते हो, अदर दिए हुए ऐप से उससे सेव कार्ड से टेस्ट यूपीआई करते हैं, तो ये हमारा यूपीआई का आईडी हो गया। कॉपी करते हैं, चलते हैं यूपीआई से अदर पे आते हैं, एंटर यूपीआई आईडी क्लिक किया हमने, वेरीफाई करते हैं। अब देखो हमारे पास बोल रहा है कि आपको क्या करना है, आपको खुद से जाकर इसको करना है कि क्या चाहते हो, मतलब ये सक्सेस करना है कि फेल करना है, तो इस पर क्लिक करना है। मतलब बहुत बेसिक सोचो, बी एड दे रखा है, ये ट्रांजिट आईडी दे रखी है, आप क्या चाहते हो, इसको सक्सेस करूँ फेल करूँ। मैं चाहता हूँ सक्सेस कर दूँ, तो सिमुलेट सक्सेस ट्रांजेक्शन, गो इट पर क्लिक करना है बस इतना सा। और कुछ चंद सेकेंडों बाद, चंद सेकेंड मतलब थोड़े से टाइम के बाद ये हमारा हो जाएगा। तो एक बार आप क्लियर कर लेते हैं, ये हो गया क्लियर, और ये हमारा लिख गया है इस पेज पे सक्सेस वाले पे जो हमारा ये है। लेकिन ध्यान रखना पेज हमारा पोस्ट होना चाहिए, कैन नॉट पोस्ट, ध्यान रखना पोस्ट ही होना चाहिए सक्सेस, और जो आपका ट्रांजेक्शन आईडी था। अभी हमारे पास गेट पेज है, कोई दिक्कत नहीं, तो हम गेट पेज पे ही काम कर लेंगे। हमें करना है उसको वेरीफाई करना है, तो इसको गेट कर लेते हैं। और हमने थोड़ी गलती कर दी थी, यहाँ पे हमें स्लैश वेरीफाई भी लगाना था, तो स्लैश वेरीफाई भी लगा लेते हैं, स्लैश वेरीफाई एंटर, हमारे क्या आ गया, डन आ गया। अब इस ट्रांजेक्शन आईडी के बेस पर मुझे फाइंड करना है कि मेरा जो पेमेंट हुआ है वो किस मेथड से हुआ है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें मैंने पास की थी, वो सारी चीज पास लेनी है आपको। तो इसके लिए फंक्शन था हमारे पास विच इज वेरीफाई पेमेंट वाला, जिसमें आपको पहले तो अपना पे यू क्लाइंट जो है उससे वेरीफाई करना है। अब पे यू क्लाइंट के अंदर एक ऑप्शन मिलता है विच इज वेरीफाई पेमेंट, तो देख लेते हैं। तो कॉन्स्ट वेरीफाइड डेटा, वेरीफाइड, अब वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे आगे एजिंग मार्क लेते हैं। जो पे यू डेटा है इसके अंदर पे यू क्लाइंट है, इसके अंदर वेरीफाई पेमेंट मिलेगा जिसमें पास करना है ट्रांजेक्शन आईडी, और वो कहाँ से मिलेगा, रिक्वेस्ट के पैराम्स डॉट आईडी में से मिलेगा, टीएक्सएन आईडी जो बोल रहे हैं यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, उस आईडी के बेस पर मुझे करना है उसको, मतलब पूरा जो डेटा आएगा वो तो आएगा ही, तो रिटर्न कर लेते हैं रिटर्न वेरीफाइड डेटा। अब ये क्या आएगा, एक जेसन ऑब्जेक्ट आएगा जिसके अंदर डेटा हुआ, सिंपल सी बात है, सही बात तो है नहीं। तो रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो हमारा डेटा इस फॉर्म में आ जाएगा। मे बी शायद ना लंबा एपीआई कॉल कर रहा है कि ओके आई डोंट नो व्हाई इट्स हैपन। अवेट किया, क्लाइंट किया, जो भी आईडी था उसके बेस पर ये हमें निकालना चाहिए था। एक काम करते हैं, अच्छा रिटर्न कर लिया, सॉरी रिटर्न नहीं करना भाई, रिटर्न नहीं करना, रेस्ट और सेंड करना है, सर्विस क्रिएट करके रिटर्न करते हैं, अभी नहीं करना, अभी तो हमें मिल गया, देखो ये मिल गया स्टेटस वन, वन आउट ऑफ वन ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली, मतलब एक ट्रांजेक्शन थी जो आपकी मिल चुकी है जिसमें आपने कुछ इस तरीके से बैंक का रेफरेंस नंबर है, अमाउंट 233 था, ट्रांजेक्शन ये थी, उसका ट्रांजेक्शन आईडी ये था, चार्जेस ये कितने कटे, और जो आपका प्रोडक्ट था वो कुछ इस तरीके था, अभी आपने जिसने पास किया हुआ तो इस वजह से, फर्स्ट नेम क्या कृष्णा है, बैंक कोड क्या था, मतलब आपने किससे किया, यूपीआई से किया हुआ है, यूडीएफ वन क्या है, इस तरीके से पेमेंट फेल्ड हुई है, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुकी है, एरर कोड है कि नहीं है, कुछ इस तरीके से ये होता, ठीक है। ये तो हो गया इसके लिए, अब ये काम करते हैं इसमें से कुछ डिटेल्स निकालते हैं, जैसे कि स्टेटस। तो कॉन्स्ट स्टेटस इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे कि जो हमारा ये वेरीफाइड डेटा उसका, नॉट दिस, वेरीफाइड डेटा का ट्रांजेक्शन डिटेल्स के अंदर हमें मिलेगा एक सक्सेस और ये वाला स्टेटस, ये हमें चाहिए, ठीक है, स्टेटस। इसके बाद कुछ डिटेल्स भी चाहिए, तो एक काम करते हैं इसको, जो इसकी आईडी है, ओके ओके, गलती 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 कर दी, कि इसके अंदर हमें ट्रांजिशन आईडी पास करनी पड़ेगी, तो रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट ट्रांजिशन आईडी, क्यों, क्योंकि देखो ये ट्रांजिशन आईडी इसके बेस पे निकाल रहा है, ठीक है, स्टेटस हो गया। और अब क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, बोलते हैं स्टेटस देस, एक काम करते हैं इतना निकाल के इसको इतना रखते हैं, इसको रखते हैं डेटा, डेटा और लिखते हैं डेटा डॉट स्टेटस। इसके बाद अमाउंट, ये कितना अमाउंट किया था हमने, अमाउंट क्या लिखा हुआ है, अमाउंट का एएमटी लिखा हुआ है शायद,
शो, हाँ एएमटी लिखा हुआ है, बैंक रेफरेंस नंबर जरूरत नहीं है इसकी, एडिशनल चार्जेस कटे नहीं है, ट्रांजेक्शन आईडी चाहिए थी ठीक है, डाल देने ट्रांजेक्शन आईडी भी, तो डेटा डॉट दिस, इसके बाद बैंक कोड यानी मेथड डाल देते हैं, मेथड डेटा डॉट बैंक कोड, फील्ड 1 फील्ड 2 कोई दिक्कत नहीं है, एरर अगर मैसेज होता है तो एरर डाल देते हैं, एरर तो डेटा डॉट एरर मैसेज। इसका डिस्काउंट, डिस्काउंट का तो बात ही मत करो, डिस्काउंट तो मिलता ही नहीं है, यही ले लें बहुत बड़ी बात है, डिस्काउंट ऐसे बोलते हैं डिस्काउंट, क्या कर लो डिस्काउंट का, और कब किया है एड ऑन यानी कि क्रेडिट डाल देते हैं, न्यू डेट और इसमें क्या जाएगा डेटा डॉट एडेड ऑन जो हमारा फील्ड का नाम है ये, सो दिस वन डॉट दैट लोकल टू लोकल डेट स्ट्रिंग, डेट टाइम लेते हैं ठीक है, सो चेक करते हैं, रिफ्रेश किया तो ये मिल गया कि 18 तारीख को 11 महीने में 2024 को 6:08:32 पे अपने पेमेंट को ट्रांजेक्ट किया था, अच्छी बात है कर दिया था हमने, सक्सेस हुआ, सक्सेस है। एक पेमेंट ऐसा करते हैं जो फेल हुआ, तो अभी के लिए इस पेमेंट को रख लेते हैं, मतलब ये वाली आईडी है, और एक लेते हैं गेट पेमेंट, क्लिक किया 233 का ही रहेगा। हाँ एक चीज बता दो, जो हमारा पे डैशबोर्ड है इसमें शो भी करेगा, ट्रांजेक्शन पे आओगे ना टेस्ट वाले पे तो शो भी करेगा, तो वो अभी 233 के है और अभी एक प्रोग्रेस चल रहा है, मतलब अभी हमने इनिशिएट किया है ये वाला जिसका ट्रांजेक्शन आईडी ये है, मतलब इसकी तरफ से, और हमारा तो कुछ और ही होगा जिसमें हरीश नाम से ईमेल गया है और सक्सेस ही है। अब मैं फेल करूंगा इसके ऊपर, यूपीआई से करते हैं और मैं फेल करूंगा तो एंटर यूपीआई आईडी कुछ डाल देते हैं, कर दिया वेरीफाई पर क्लिक किया, ये बोलेगा वेरीफाइड, क्योंकि देखो टेस्ट है, टेस्ट में कुछ भी डालो आपकी मर्जी है, क्लिक हियर पर क्लिक करना है और इस तरीके से हम फेल कर देते हैं कि इसका रीजन देख लेना पड़ेगा कि मतलब रीजन क्या था, तो मैं बोलता हूँ कि भाई इनवैलिड एम पिन ये डाल दिया इसने और इसको गॉट इट एरर दे दिया कि नहीं चाहिए मेरे को, नहीं चाहिए, आई डोंट नीड। सो अब क्या करेगा ये, या दोबारा पेमेंट कराएगा मेरे से कि भाई दोबारा कर लो पेमेंट को, लेकिन देखो दोबारा करा रहा है इस तरीके से, बैक बैक वॉज अनेबल टू दिस, तो अब दोबारा पेमेंट कर लो, तो मैं दोबारा करूंगा इसको, लेट सपोज कर लिया मैंने इस तरीके से, और अब दोबारा आता हूँ, मैंने बोला कि सुन एक काम कर इनवैलिड एम पिन डाल दे दोबारा से, और कुछ ना कुछ ना कुछ लिमिट होती है, 3-4 3-4 लिमिट होगी, और उसके लिए मुझे रिजेक्ट कर देगा कि भाई सुन ऐसा नहीं होगा तो रिजेक्ट कर देगा, देखते हैं अभी, कर दे भाई, करते नंबर ऑफ पिन ट्राइड एक्सेस, दोबारा कराएगा कोई बात नहीं, बोल तो एक पेमेंट विंडो दोबारा ले गया, कोई नहीं दोबारा कर लेते हैं, पेमेंट किया, अब इसका मैं बोल दिया कि द यूपीआई पेमेंट हैज बीन डिक्लाइन सक्सेसफुली विजिट द सबमिटेड बग, मतलब कि नंबर ऑफ पिन जो है वो एक्सेड हो चुके हैं, मैंने सिंपल बोल दिया इससे कि अब तुम आगे नहीं कर सकते, तो वेट करना पड़ेगा इसका थोड़ा सा, तो ये पेमेंट फेल हो गया, हो गया फेल, हो गया फेल, और ये गया अपने एफ यू आर एल पे जो कि ये था, लेकिन हमने गलत डाला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे क्या करते हैं वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, वेरीफाई नॉट हियर दिस वन, तो क्या आ गया फेल आ गया, इतना पेमेंट था, ट्रांजेक्शन आईडी ये थी, यूपीआई ये था, बैंक वॉज अनेबल टू ऑथेंटिकेट, एरर था और कोड ये था, अगर अपने इस पे डैशबोर्ड में देखो ये प्रोग्रेस है अभी, रिफ्रेश का ऑप्शन नहीं है क्या इसमें, होना चाहिए था, कोई नहीं हम इसको रिफंड पे क्लिक करते हैं, पेमेंट क्लिक करते हैं, सो देखो ये कैंसिल हो चुका है, पेमेंट उतना ही रहेगा 233 जितना टोटल पेमेंट था, ट्रांजेक्शन कितनी है 4, सक्सेस रेट कितनी है 1, इस तरीके से, और ये इनवॉइस भी आ गया होगा मेरे मेल पे, तो मेल दिखाता हूँ मैं आपको, तो मेल ऑफ 5 जो मेरा मेल है जो मैंने रजिस्टर कर रखा है उस मेल पे, देखो ये रहा, सो दिस वन, ऐसा कुछ आपका आता है, ये ध्यान रखना आप। सो अब क्या करते हैं अपने मास्टर प्लान पे आते हैं, जो हमारा मास्टर प्लान था, मास्टर प्लान क्या बोल रहा है, मतलब पहले तो इसको पोस्ट करना है सब चीज को, तो इसको पोस्ट करते हैं, और पोस्ट करने के बाद जो एस यू आर एल है और ये दिए रखे हैं
जो भी है इनको क्या करना है, इनको हम पास कर देंगे लोकल होस्ट 5173 पर, ठीक है। कौन से वाले फ्रंट एंड पे, फ्रंट एंड का यूआरएल क्या था, राउटर पे आते हैं, वो था पेमेंट, आगे लगाना है हमें स्लैश पेमेंट नॉट देयर, सक्सेस फेल जो भी है, और ट्रांजेक्शन आईडी ये हमने पास कर दिया। जब फेल का ना यहाँ पे फेलियर था, अगर देखोगे तो फेलियर लिखा हुआ था, ये रहा फेलियर, ठीक है। तो ये वो पास कर देगा, स्टेटस जो भी होगा उसका कहाँ पर यहाँ पास करेगा वो, और जो था वो अपने आप निकलना है। देखो स्टेटस तो आपको निकल जाएगा अपने आप, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डालो मत डालो उससे कोई मतलब ही नहीं है उसको, अच्छा इसको हटा भी दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो पे तो दिखाना ही है, पेमेंट दिखा दिया, ट्रस्ट आई डी इस तरीके से, ठीक है। सो इससे क्या करेगा, हम इस पर रिक्वेस्ट करेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट या फिर गेट रिक्वेस्ट जो भी होगी, हम गेट रिक्वेस्ट कर लेते हैं मान लो, और इसको रिमूव कर लेते हैं दिया इसमें से, ठीक है। वेरीफाई करना तो हो गया, इसका क्या करना है, ये क्या करेगा, जब पेमेंट हो जाएगा डायरेक्टली हमें वहाँ पे लेके जाएगा, कहाँ पर, इस पेज पे, इसमें से ये हटा दो, इस पेज पे लेके जाएगा, इस पेज पे क्या होगा, जो हमारा पेज दिखेगा वो है ही, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर रिक्वेस्ट कर लेंगे और जो डेटा आएगा उसको हम उसमें डाल देंगे, बस कहानी खत्म, इतना ही करना था हमें, हो गया। सो पहले हम इसको करते हैं, तो अभी जितना फेंका है मैंने उससे अच्छा मैं इसको करके दिखाऊंगा आपको, तो अच्छा लगेगा। और डेटा जो है प्रोडक्ट वाला, इसको जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, दिस वन सेम हेयर, वैसे इसमें दिया नहीं है कि आपको स्ट्रिंग ही करना है, तो एक काम करते हैं स्ट्रिंग कर ही लेते हैं, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई इसको भी कर लेते हैं और इसको पास करते हैं। अब क्या करना है, ये डेटा जो है मुझे पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू, जब मैं एक्सेस पोस्ट कर रहा हूँ उस टाइम पर, ये पैरामीटर्स मुझे पास करने हैं। तो चलते हैं इसको क्लोज करते हैं सारे को, चलते हैं होम पेज पर, const by now handler async mark कर लेते हैं, और यहाँ पे बोलते हैं try catch, lock कर लेते हैं, अगर कोई भी error आएगा तो उसके error dot message it not there any, तो const data equals to await डेटा अवेट रेस्ट डॉट डॉट रेस्ट एक्सियोस डॉट पोस्ट, इसमें एच टी टी पी लोकल होस्ट 4000 स्लैश गेट पेमेंट, जिसमें ये डेटा में पास करना है, जिसमें अमाउंट हो जाएगा, लेट सपोज जो भी अमाउंट होगा, तो हम इसको क्या करेंगे यहाँ से गेट कर लेंगे डेटा को, यहाँ पे एनी प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है, एनी इस पूरे को प्रोवाइड कर दिया मैंने, इसका मैं डेटा निकाल दिया, और जो भी डेटा आ रहा है उसको मैं लॉक कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो अपने आप नेविगेट करेगा तो मुझे इतनी दिक्कत है नहीं, ठीक है। बस इतना करना है, और यहाँ पे आना है इस पर ऑन क्लिक दिस पर, जिसमें हमें अमाउंट पास करना है मेरे को, तो अमाउंट हो जाएगा जो भी करंट है उसका प्राइस, प्रोडक्ट जो भी हमारे पास आ रहा है इसका टाइटल, जैसे कि करंट का टाइटल और प्राइस, करंट और प्राइस, ठीक है। इसके बाद क्या पास करना है, फर्स्ट नेम, अभी के तो लेट सपोज स्टेशन ही रख लेते हैं, ईमेल जो है उसको भी स्टैटिक रख लेते हैं, ईमेल काम करिए मैट डॉट रैंडम लाइब्रेरी पर से थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, तो लेट सपोज हमारे पास ये हरीश हो गया, मैट डॉट रैंडम, मैट डॉट फ्लोर, ठीक है, एट द रेट जीमेल डॉट कॉम, अगर वैलिडेट करेगा तो कर ले भाई। इसके बाद मोबाइल, इसको भी ऐसे कर लेते हैं मैथ डॉट रैंडम से, कर लिया, आगे 91 लगा लेते हैं, और
मान लो थोड़ा सा बड़ा करते हैं नंबर को, तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये 5 का हो जाएगा, 6 कैट का, 6 2 4 5, 5 और 2 7, 3 और को लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारा पे हो गया। ये थे अमाउंट, प्राइस, प्रोडक्ट, अमाउंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। ये था हमारा कि हमें ये कितने पैरामीटर पास करने, हमारे पास थे 2 5 पैरामीटर्स थे, तो 5 कर लिए हमने, 1 2 3 4 5, इस पर क्लिक करूंगा तो ये जो है हैंडलर ये हिट होगा और ये काम करेगा, ठीक है। सो दैट टेस्ट वर्किंग ऑन नॉट, मे बी इट्स, काम तो करना चाहिए यार, इतना हमने काम किया तो। तो सी डी फ्रंट एंड करते पहले, तो यान डेव सी डी फ्रंट एंड यान डेव, चलते हैं इसके पास और लेट सपोज मुझे ये वाला पसंद आ गया, मैंस क्लोथिंग और जो भी लिखा हुआ है, क्लिक करते हैं बाय नाउ पे, क्लिक किया तो क्वेस्ट गया इस पे, चेक करते हैं, इंस्पेक्ट किया मैंने, कंसोल करते हैं तो क्या बोल रहा है, अरे भाई ये बोल रहा है भाई कोर्स एरर है, ये तो बहुत भारी मिस्टेक हो गया, चलना पड़ेगा बैकएंड पे सर्वर पे। और कोर्स के लिए हमारे पास पैकेज था कोर्स नाम का, तो कॉस्ट कोर्स रिक्वायर ऑफ कोर्स और एप डॉट यूज कोर्स, बस इतना सा काम करना है। सो अब चेक करते हैं, क्लिक किया बाय नाउ पे, स्प्रेड करते हैं, कंसोल चेक करते हैं, अब क्या एरर दिया, तो ये बोल रहा है कि आपको एक फॉर्म मिल रहा है, एक्शन मिल रहा है, अच्छा आपको क्या है, अब ये चीज़ें आपको रिटर्न होके मिल रही है, ठीक है, ये आपको चीज़ रिटर्न होके मिल रही है रेस्पॉन्स डॉट डेटा में, तो आपको क्या करना है, यहाँ से कैसे भी करके इसको इनिशिएट करना है। तो एक काम कर सकते हैं हम, इतना ना सोच कर कि हमें इतना काम करना पड़ेगा, इस फॉर्म को या तो हम कुछ करें, जो डेटा आ रहा है उसमें से हमें करना है कैसे भी इसको लेना है, तो कैसे कर सकते हैं, अब ये सोचने वाली बात है, जिसमें हमें पूरा दिख रहा है कि हमें ये सारी चीजें मिल रही है, फॉर्म मिल रहा है पूरा मिलने को, तो और इस फॉर्म को कैसे भी हमें इनिशिएट करना है, मतलब इस पे ही हमें जाना है, तो कैसे जाए, तो एक बार चेक करते हैं, अगर हम यहाँ पे आ रहे थे कहाँ पे, अपने इस पे सर्वर पे, तो क्या था कि इस पर डायरेक्टली इस फॉर्म को हम सेंड कर रहे थे, जो भी डेटा आ रहा था वो हमने सेंड कर दिया, वो हमें विजिट मिल रहा था। तो अब मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ अपने एक्सियोस का, तो डेटा हमें ऐसे मिल रहा है, तो कंसोल डॉट डेटा मिल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। तो अगर मैं एक स्टेट ले लूँ पॉन्स डेटा या फिर पॉन्स फॉर्म सेट फॉर्म यूज स्टेट, अभी के लिए कर दिया मैंने, और फॉर्म को मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एज अ हिडन फील्ड, मतलब यहाँ पर मैं प्रिंट कर ले रहा हूँ, मेरा फॉर्म हो गया, सेट फॉर्म को इसकी जगह में रख दूँ, सेट फॉर्म को इसकी जगह में रख दूँ, रिफ्रेश करूँ एक बार, बाय नाउ पर क्लिक करूँ तो ये हमें फॉर्म मिल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इस फॉर्म को ऐसे ना लेकर मैं यूज करूँ डिव का, जिसके अंदर मैं बोल दूँ डिव डेंजरस वाला जो होता है ऑप्शन, हाँ था भाई डेंजरस एस्टिमेट जो होती है, मे बी शायद अगर हम कोई भी एलिमेंट यूज करें जिसमें ब्लॉक रेंडर करते हैं, मैं वो वाला बोल रहा हूँ जिसपे हम यूज करते हैं डेंजरस इनर एस्टिमेट, एस्टिमेट ये पास करना है, तो चेक करते हैं डेंजरस इनर एस्टिमेट, तो क्या करना है हमें, कॉन्टेंट एडिटेबल डेव के अंदर ही करना है, तो ये सारे काम ही करने हैं, तो बेसिकली कॉपी कर ले रहा हूँ इस टैग को, क्या करना है जो पी टैग है हमारे पास, पी नहीं सॉरी डेव टैग है, उसमें यूज करना है, सो डेव ये वाला एस्टिमेट क्या आ जाएगा, एस्टिमेट हमारा फॉर्म आ जाएगा,
जो फॉर्म होगा वो क्लिक करेंगे तो फॉर्म हमारा यहाँ पे आ जाएगा। सो लेट टेस्ट एक काम कर भी रहा है, फिर हमने फालतू पे लिख दिया, तो बाय नाउ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद कुछ हुआ नहीं, इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट करने कंसोल करते हैं, तो ये बोल रहा है कि भाई सुनो कंसोल तो कर रहा हूँ, लेकिन इसमें बोल रहा है कि फॉर्म मेथड ठीक है, एप्लीकेशन में आते हैं नॉट देयर, अपना नेटवर्क में आना पड़ेगा, तो नेटवर्क चेक करते हैं। बाय नाउ पे क्लिक किया तो हमें 200 का मिला, इस पर कुछ भी नहीं मिला, पेमेंट भी लिया लेकिन प्रीव्यू रेस्पॉन्स एक फॉर्म मिला हमें, लेकिन फॉर्म हमारा यहाँ सेट क्यों नहीं हो रहा है? ये फॉर्म तो सेट होना चाहिए ना, दिन दिस सेट इन एस्टिमेट कर दिया मैंने ठीक है, और फॉर्म को अगर प्रिंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे प्रिंट भी हो जाएगा, वो अच्छी बात है। कैन नॉट सेट ओनली वन प्रॉपर एस्टिमेट, या तो ये इसको कर लो या फिर इसको कर लो। सो गाइस देखते हैं किस तरीके से हम अपनी एस्टीमेट जो अपने रिजल्ट रिटर्न होकर आ रहा है वो उसको कैसे सेट करते हैं और किस तरीके से इनिशिएट करते हैं अभी हम देखेंगे। तो काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन हो चुकी है, बाय द वे बता दूं आपको, मैंने काफ़ी सारा सर्च किया है उसके बाद मुझे कुछ सॉल्यूशन मिला है इसका, लेकिन मिला रिएक्ट के अंदर ही है, ये बता दूं आपको। जैसे हम क्लिक करते हैं तो क्या मिल रहा है हमें, फॉर्म मिल रहा है, ये फॉर्म सेट भी हो रहा है, ये सेट भी हो रहा है, मतलब अगर हम इस पर इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट करने के बाद इस डिम में चेक करके सारा फॉर्म जो है सबमिट भी हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि सारी फील्ड्स का हेडर है, सारी फील्ड्स का हेडर है और इसमें जावास्क्रिप्ट अप्लाई किया वो काम नहीं कर रही है ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं अपने यूज इफेक्ट का, मतलब हम चाहते हैं कि जब भी इस फॉर्म में कोई भी चेंजेस हो तब ये काम करे, तो लिखेंगे यूज इफेक्ट इस तरीके से, इस पे फॉर्म पे कि फॉर्म पे काम करना चाहिए, क्या काम करेगा, पहले चेक करेगा कि डेटा है कि नहीं, मतलब फॉर्म डेटा है कि नहीं, किसमें डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, किस आईडी को चेक करेगा, यहाँ पर देखो एक आईडी आ रही है विच इज पेमेंट पोस्ट नाम से, क्या आ रही है पेमेंट पोस्ट नाम से, इसको एक टैग दे देंगे एचटीएमएल, इसे दे देंगे एचटीएमएल फॉर्म एलिमेंट, ये हो गया। इसके क्या करना है, पहले चेक करना है कि फॉर्म डेटा है कि नहीं हमारे पास, अगर होगा तभी काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, फॉर्म डेटा डॉट सबमिट एक बटन जो होता है उसको हिट कर दे, बस इतना सा कोड लिखना है और ये हमारा करेगा बिंदास काम। सो चेक करते हैं, काफ़ी चीज़ें मैंने ट्राई की है उसके बाद मैंने चेक किया है कि हाँ ये काम करना चाहिए, आई होप काम करना चाहिए। सो क्लिक ये किया मैंने, देखो क्लिक हुआ, पेमेंट इनिशिएट हो गया, 55 रुपये का 99 पैसा। यू पे करते हैं, यू पे में ला लो जैसे कि डेल दिया हमने इस तरीके से, और पे यू डॉट इन वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई हो गया, प्रोसीड करते हैं, प्रोसीड करने के बाद क्या करना है हमें, अपना ट्रांजेक्शन सक्सेस और फेल करना है, तो सक्सेस कर लेते हैं अभी के लिए, तो क्योंकि फर्स्ट टाइम किया हमने फ्रंट एंड से, सक्सेस किया, क्लिक हो जा भाई। यहाँ पर चेंजेस होंगे, चेंजेस होने के बाद रिटर्न करेगा अपने पेज पे, जो कि हमारा होगा, देखते हैं कौन सा पेज होगा, ये वाला पेज, ये बोल रहा है कि भाई ये आपको उस पर नहीं मिल रहा है गेट मेथड पे, सॉरी क्या करेंगे हम यहाँ पे एक रेंडर पेज बना लेंगे अपने एक्सप्रेस में, वहां से इसको गेट कर लेंगे, अभी के लिए आ गया। अब इसको फैच करते हैं ट्रांजेक्शन को, आईडी तो हमें मिल गया, ये वाला आईडी आ गया ठीक है। अब ट्रांजेक्शन की सक्सेस हुआ, फेल हुआ, क्या हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं अपने इस पे चलते हैं स्टेटस पेज पे, और यहाँ पे करते हैं एक एपीआई कॉल, कॉन्स्ट फैच स्टेटस दिस वन, जिस पे हम पास करेंगे आईडी, यहाँ पे एक डेटा ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो कॉन्स्ट डेटा सेट डेटा इक्वल्स टू यू स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, तो वो हम सर्वर डॉट जेएस पे चलते हैं। देखो तो हम चाहे ना तो एक रेंडर पेज भी क्रिएट कर सकते हैं, डायरेक्ट पेज जो होता है वो कर सकते हैं, लेकिन अपने ऊपर है जैसा चाहो वैसे कर सकते हो, मैंने ये कर लिया इस तरीके से ठीक है। मैं वो एक अच्छा तरीका बताता हूँ, आप क्या करो डायरेक्ट लिखोगे ऐप डॉट पोस्ट, यहाँ पे क्या करो ऐप डॉट पोस्ट किया आपने, और पोस्ट करने के बाद आपने क्या बोला, मतलब आप यहाँ पे के बी कॉल मत करो, आपकी मर्जी मत करो ए बी कॉल, आप जैसा चल रहा है चले दो। यहाँ पे परम से चाहिए आपको एक स्टेटस चाहिए, एक आई डी चाहिए, तो आप राउटर में आओ, और राउटर में आने के बाद नॉट देयर, राउटर में आने के बाद यहाँ पर ले लो स्टेटस, जो भी स्टेटस है वो ठीक है, बस इतना सा काम करना है।
और यहाँ पे माइनस करो, यहाँ पे लिखोगे लोकल होस्ट जो आपका पोर्ट था, तो पोर्ट आ जाएगा यहाँ पर आपका, ये पोर्ट हो गया जिस पे आपने लिखा वेरीफाई पेमेंट, जो वेरीफाई था वो, तो इसकी जगह लग जाएगा वेरीफाई क्या पोस्ट आउट पे, ठीक है ट्रांजेक्शन आईडी, ठीक है। ये होने के बाद आपको करना है यहाँ से रेस्ट डॉट सेंड नहीं करना। अब ये तो आपको डेटाबेस में सेव करना अपने हिसाब से, जैसे करना चाहो कर सकते हो, अपनी मर्जी है। मैं बोलूंगा रेस्ट डॉट रीडायरेक्ट, कहाँ रीडायरेक्ट करना है, HTTP लोकल होस्ट 5173 जो मेरा फ्रंट एंड है वो, इसके स्लैश स्टेटस क्या है तो वो डाल देंगे डेटा डॉट स्टेटस स्लैश जो भी ट्रांजेक्शन आईडी है, तो डेटा डॉट टीएक्सएन आईडी, टीएक्सएन मतलब ट्रांजेक्शन आईडी जो बोल रहे हैं, तो ये बस ये कर दिया, जो स्टेटस होगा वो चला जाएगा, जो डेटा हमने पास किया वो चला जाएगा, बस इतना सा काम करना है, बन गया आपका स्टेटस पेज। मतलब ये भी कोई कहने वाली बात थी। सो चलते हैं बैक, अब चेक करते हैं और बैक चलते हैं, ये आ गया हमारे पेज पर, ये हमारे प्रोडक्ट शो हुए। लेट सपोज मैं ये वाला परचेस करता हूँ, ये किया परचेस, परचेस करने के बाद लेट सपोज मुझे करना है यूपीआई से, दिया हुआ है अपने सारे पेमेंट ऑप्शन, मैं इसमें से ये वाला सेट कर लेता हूँ, इसमें से डाल दिया पे यू डॉट इन, वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई हुआ ये हो गया, क्लिक करते हैं इस पर, क्लिक करने के बाद हम इसको मान लो सक्सेस कर लिया, तो गॉट इट पे क्लिक किया तो सक्सेस हो गया पेज हमारा। और लेट्स चेक, सो हो जा भाई सक्सेस किया, और यहाँ से ये पेमेंट 20 सेकंड बाद इनिशिएट हो जाता है, हो गया, और हम आगे इस पर। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई अपने पेज नहीं मिला इसको, बहुत बेकार रहा मेरे साथ, क्यों रहा, क्योंकि मैंने थोड़ी गलती कर दी, मुझे ऐसे करना था, जिसमें हमारा सक्सेस आ गया, ठीक है, और ये आ गया। अच्छा हमने यही किया था क्या, अपने राउटर में पेमेंट भी लगाना था भाई आगे। सो अब ये काम करना चाहिए आई होप। सो अगेन चलते हैं, बैक आते हैं, अगेन बैक आते हैं, ये आगे बैक और बैक आते हैं। सो लोकल होस्ट 5173 इस पर क्लिक किया हमने, प्रोडक्ट बाय किया हमने, यूपीआई पे आए, एंटर यूपीआई आईडी payu.in। बस payu से एक फायदा तो है भाई, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है हेलेको तो, लेकिन इन्होंने दिया नहीं है हुआ तो लगे, लेकिन काफी सारी चीजें जो है बहुत समझ में आती है कि हाँ इसका वेब फ्लो है, देर के समझ में आ रहा है कि कैसे फ्लो कर रहा है, किस तरीके से इसको काम करना चाहिए, अपने आप को अपडेट करना है, कैसे करना है, किस तरह से हम इसको ई कॉमर्स में अपडेट करते हैं, ये सारी चीज मुझे मालूम पड़ रही है बहुत अच्छे तरीके से क्लियरली, ठीक है। बस उसका थोड़ा तरीका अलग है दिखाने का, बाकी सब सेम है। देखो ये आ गया सक्सेस और ये हमारा ट्रांजेक्शन आईडी आ गया। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया किस तरह से हम पेयू पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करते हैं अपने VHJS में, Node.js में, और आप इसके अंदर कोई भी डेटाबेस यूज कर लो एज योर विश, चाहे आपका डेटाबेस SQLite हो, SQL हो, NoSQL हो, एनीथिंग जो आपकी मर्जी है। बस आपको ये वाला ऑब्जेक्ट जो है उसके हिसाब से अपना स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, और उस हिसाब से जैसा चाहो वैसा उसको मॉडिफाई कर सकते हो, और इसको वेरीफाई करने का तरीका बहुत ही ईजी है। आपको चाहिए सारी सारी पेमेंट्स निकालनी है तो आप सारी सारी पेमेंट्स भी इसे निकाल सकते हो, जितनी अपनी पेमेंट्स की है। अगर हम चेक करें अभी पेयू के डैशबोर्ड पर, तो चलते हैं पेयू के डैशबोर्ड पर और लॉगिन करते हैं, कितनी बार लॉगिन मांगेगा पता नहीं, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे तो हमारे जितने पेमेंट्स हुए, कितने पेमेंट्स कर लिए सुबह से हमने, तो इतने रुपये कमा लिए हमें 367 रुपये, जिसमें से कितने फॉल्स हुए, कितने ट्रू हुए, ये सारे सारे यहाँ पे मिल जाते हैं आपको। और जितने भी हमने किए ट्रांजेक्शन सारे के सारे मेल पे भी आ गए होंगे, अगर हम थोड़ा रिफ्रेश करें अपने मेल को तो देखो जो सक्सेस होते हैं वही मिल रहे हैं अभी, तो अनसक्सेस का नहीं मिल रहा है। अगर हम अनसक्सेस देखें तो एक बैक कर, ओके नॉट देयर, इसको हटाते हैं। लेट सपोज हमने कर लिया ये वाला, इस पर चेक करते हैं, अब क्या करते हैं फेल करते हैं। तो फेल करने के लिए मैं आता हूँ यूपीआई पे, एंटर यूपीआई आईडी ये डाल दिया, payu डॉट इन क्लिक किया, प्रोसीड किया, अब क्या करते हैं मैं इसको करता हूँ आपके डिक्लाइन। तो डिक्लाइन करने के लिए करूँगा यहाँ पे आ जाऊँगा, और पहले तो payu का डैशबोर्ड था उसको भी ओपन करता हूँ, payu डैशबोर्ड, यहाँ से इसको करते हैं फेल्ड, तो आप क्या करते हैं ट्रांजेक्शन
फेल्ड एट बेंच साइड ना करके मैं चूज करूंगा नंबर ऑफ पिन ट्राइड एक्सिट, मतलब कि खत्म बाय बाय। सो अब देखते हैं इस पर जो अपना ट्रांजिशन था, एक प्रोसेस चल रहा है अभी और कुछ प्रॉब्लम चली गई थी, कोई दिक्कत नहीं, हमने कैंसिल कर दी थी वो। और अभी चेक किया मैंने तो चेक करते हैं कि ट्रांजिशन हमारा फेल हुआ कि नहीं हुआ। तो बैक पास अनेबल टू ऑथेंटिकेट, अभी दोबारा कराएगा क्या? हाँ दोबारा कराएगा, दोबारा कराते हैं भाई, कर लो प्रोसीड। यूआरएल मिल रहा है इस तरीके से, अगेन करते हैं। दो बार या तीन बार कराता है अपने पास से, उसके बाद ये फेल करता है पेमेंट को, लेकिन आपको दो बार तो ऑप्शन देता है कि आप कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं। बेक वॉज अनेबल टू ऑथेंटिकेट, मतलब ट्राई करता रहेगा, करता रहे, कर भाई कितना करेगा। डिक्लाइन हो गया, डिक्लाइन हो गया ना, डिक्लाइन सक्सेसफुल, अब डिक्लाइन कर दिया इसने। पहले उसने वो किया था, मतलब चेक किया था कि हाँ सही है कि नहीं, अब अपडेट कर दिया इसने डिक्लाइन का। सो चेक करते हैं, 40 हो जाएगी, ये हुआ 40 और ये हुआ अपडेट और ट्रांजिशन फेल्ड। रिग्रेट कर रहा है भाई, कोई नहीं मत रो। और इसको करते हैं यहाँ पर, तो ट्रांजिशन फेल हो गया इस आईडी से, विच इज टोटली ग्रेट, ठीक है। और यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पे अपडेट भी हो गया होगा, तो देखो ये अपडेट भी हो गया कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पे चेक कर सकते हो इसके बारे में पूरा दिया हुआ है कि किससे किया, यूपीआई से किया था, क्या नाम था, मोबाइल नंबर क्या था, इस तरीके से ये इसका जो आईडी था वो किया आपने, जो भी है फील्ड ये रहे, और किस तरह से नंबर ऑफ एक्सिट, ठीक है। और क्या क्या प्रोडक्ट था, टाइटल था आपका मेंस कॉटन जैकेट, ठीक है, प्राइस इतना था, ठीक है, नो रूल हिट, सब कुछ दिया हुआ है, चेक करो आराम से, मजे काटो। चलो भाई, तो ये हमारा हो गया पेयू पेमेंट गेटवे के बारे में, किस तरह से पेयू पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करते हैं अपने मनस्टैक एप्लीकेशन में। तो आयु आपको बहुत इजी लगा होगा, ठीक है, इजी नहीं था लेकिन हमने कर लिया इजी इसको, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को पुश करता हूँ अपने गिटहब पे, ठीक है, जिससे आपको एक कोड मिल जाएगा। बाय द वे क्या करता हूँ, सबसे पहले तो ये तीन जो फालतू के एनवायरमेंट बना रखे हैं मेरे, फालतू के तो नहीं है लेकिन आपके लिए फालतू के, तो आप इनको अपनी जगह जैसे चाहो वैसे कर लेना। तो मैंने इनको हटा दिया है, इसका नाम भी चेंज करता हूँ, env.example कर देता हूँ। बाकी आपको सारा का सारा एक readme फाइल के अंदर मिलेगा, जो कि ये वाली फाइल है, पूरा का पूरा जितना हो सकता है मैंने अपनी तरफ से पूरा का पूरा लिखा हुआ है, और ये पूरा काम कर रहा है, ऐसा नहीं काम नहीं कर रहा, पूरा का पूरा काम कर रहा है। क्लाइंट साइड पे तो यूज रेफ और यूज इवेंट का यूज करना मत भूलना, ठीक है। सो मैं गिट इग्नोर लेता हूँ और इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, जिससे हमारी काम करेगी। चलो तो इसको करते हैं पुश, तो बहुत देर हो गया। सो क्लियर क्लियर क्लियर, सो गिट इनिट, गिट ऐड, ओके, कोई गलती तो नहीं हुई, एक बार देख लेते हैं, कोई इसमें कैच तो नहीं है, सिर्फ फ्रंट एंड में कोई गिट नाम से हो। हाँ भाई, ये हमारा कैच कर देता, बैकेंड में तो नहीं है, नहीं बैकेंड में नहीं है, अच्छी बात है। और जो अभी क्रिएट किया उसको डिलीट कर लेते हैं, क्योंकि ये उसमें कैच आ गया है थोड़ा सा। तो गिट इनिट, गिट ऐड, गिट कमिट माइनस एम इनिशियल कमिट, initial कमिट, ठीक है, पुश करते हैं। तो चलते हैं सोर्स कंट्रोल पे, पब्लिश ब्रांच करूंगा, पब्लिश रिपोजिटरी होगी, क्या होगा, पे यू मनी पेमेंट गेटवे ई कॉमर्स, ठीक है, पब्लिक कर लेते हैं इसको, तो पब्लिक कर दिया और हिट कर दिया, तो बोलते हैं श्री, हिट हो गया। और चेक करते हैं गिटहब पर, मेरा मेरा गिटहब, आप चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो, गिटहब का सिंपल सा यूजर नेम है विच इज कृष्णा SM, ठीक है, काफी सिंपल है, आप इस पे जाओ कर सकते हो। अभी चेक करते हैं रैपो को कि रैपो हमारी यहाँ पर आई कि नहीं आई, या फिर बीच में ही अटक गई। सो देखो रैपो आ चुकी है इस तरीके से, और ये हमारा आ गया, और पूरा पूरा लिखा हुआ है, जो हमें लिखा था वही नहीं आया, बाकी सब फालतू का इस पे आ चुका है। रेडमी हमारी ये थी और ये वाला नहीं आया, बाकी ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है बीट में से। तो मैंने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। और गलती क्या की है, कुछ नहीं की, ये फ्रंट एंड को कंट्रोल एक्स करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है,
बस ये गलती की है मैंने, और इस गलती को सुधार सकता है। कैसे सुधारेंगे? अब लिंक इट ऐड नॉट देयर, git add git commit minus m initial commit git push origin master, बस इतना सा काम करना है। ये हो गया, इसको आओ रिफ्रेश करो, देखो पूरा अपडेट हो चुका है, बैकएंड आ गया, फ्रंट एंड आ गया, गिट इग्नोर आ गया, रीडमी आ गई, और इस तरीके से पेमेंट गेटवे की सारी इंफॉर्मेशन इसमें मैंने पुश कर दी है। तो आप इसमें जाओ, पढ़ सकते हो इजीली कि कैसे इसको करना है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, एंड कमेंट में अपना फीडबैक जरूर शेयर करना। सो अभी के लिए इस वीडियो इतना गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।